किया ब्रज में तो संपत्ति है। ब्रजवासी बड़े आनंद पूर्वक कृष्ण को दर्शन करते हुए वो तो होली मच रहा था। जब उसने वापस गया इंद्र ने पूछा ब्रजवासियों का सत्यानाश हो गया कि नहीं। बोले ब्रजवासियों का सत्यानाश क्या, तेरा ही सत्यानाश हो गया। बोले मतलब क्या? बोले जिसको तुम साधारण बालक समझ रखा वो बालक नहीं, तो कनिष्ठ अंगोलू के ऊपर में श्री गिरिराज गोवर्धन को उन्होंने उठा करके रखा। बोले श्री गिरिराज महाराज की। इंद्र ने देखा ये कौन है, जब उन्होंने ध्यान लगाया देखा हे भगवान ये तो मेरे प्रभु है, क्योंकि बलि ने ये इंद्र राज्य को हड़प लिया था। भगवान वामन अवतार में फिर उन्होंने बलि महाराज से इंद्र लोकों को, फिर उन्होंने किसको, इंद्र को दिया था, ये स्वर्ग लोक को इंद्र को दिया था, ये तो मेरे प्रभु है। बोले लगता है मेरे इंद्रपद ही चला जाएगा, ठाकुर जी माफ नहीं करेंगे। अपना अमरावती जहाँ सची को साथ में वो विश्राम करता है, जब अमरावती में विश्राम करने के लिए गया इतने घबरा हुआ था उसको नींद नहीं आई, फिर गुरु जी के पास में गए। बोले गुरुदेव अभी क्या करेंगे बताओ, मेरे सर्वनाश हो गया, मेरे सर्वनाश हो गया, गया इंद्रपद चला जाएगा, मैं तो पता नहीं चला ये कृष्ण कौन है, मैं तो अपराध कर दी। बृहस्पति बोले भैया मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। बोले क्या करें? बोले चलो हम ब्रह्मा जी को पास में चलेंगे। जब ब्रह्मा जी को पास में गए ना, बोले तुमने सत्यानाश कर दिया, ये इंद्र ये कृष्ण ऐसे एक अवतार हैं, इन्होंने किसी की घमंड को नहीं रखे,
सबकी घमंड को उन्होंने चकनाचूर कर दिया। बोले मैं भी कुछ दिन पहले बड़ा अपराध कर दिया था। बोले आप भी कर दिए थे। बोले कैसे? बोले जिस समय कृष्ण ने उन्हें अघास रूप बद किया, बड़ा भयंकर राक्षस था, कृष्ण को पूरा वो निगल गया था, लेकिन कृष्ण ने जब उन्हें अघास रूप बद किया और उसको ब्रह्म तालु फट करके उसका ज्योति कृष्ण को शरीर में प्रवेश किया, इतने में जितने देवता लोग थे बोले कृष्ण के नैया लाल की। अरे जोर से बोलो, कोई जय को है बोल रहे हो, जोर से बोलो, बोले भगवान श्री कृष्ण चंद्र की। अभी ये आवाज धीरे 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 ब्रह्मलोक तक चर्चा गई। ब्रह्मा सुन करके नीचे उतरे और उन्होंने देखा कृष्ण का उम्र 5 साल के, 5 साल उम्र में उन्होंने अघास रूप बद किया और इनका ज्योति कृष्ण शरीर में मिल गया। बोले ये बालक है कौन? बोले और थोड़ा आगे लीला देखते हैं। जब आगे लीला देखने के लिए इच्छा की, कृष्ण सखाओं को साथ में जमुना किनारे में बैठे हुए, कृष्ण बीच में बैठे हुए, सारे सखा लग रहा था जैसे कृष्ण मेरे पास में, कोई लड्डू, कोई कचौड़ी, कोई मालपुआ अपना अपना घर से लाए थे और कृष्ण को दे रहे थे और भोजन कर रहे थे। एक सखा ने छाँच लाया था। बोले कन्हैया मेरे मैया ने बड़ी सुंदर छाँच भेजी है। बोले तू क्या अकेले खाओगे, मेरे को नहीं दोगे? बोले ये थोड़ी देने का लायक है तो पीने का लायक है। वो मटकी में था छाँच, इतने में कृष्ण और सखा में खेचातानी होते होते वो छाँच किया हुआ वो गिर पड़ा सखा की छाती के ऊपर में। इतने में कृष्ण जीभ लाकर चाट रहे थे। बोले वाह बड़े चोखो छाँचो है, तो अकेले खा रहे था। ब्रह्मा जी ने देख करके बोले हे भगवान, ये कैसे भगवान जिनको छुटन फुटन को भी पता नहीं है, क्योंकि जो ब्रह्मा किसको उपासना करते हैं? बोले नारायण को। नारायण का प्रसाद सब दुनिया पाते हैं, लेकिन ये भगवान थोड़ी सभी के झूठन खाते हैं। लेकिन ये तो ब्रज, ये प्रेम भूमि है, कितना प्रेम, नदिया की सदा उल्टी वह धार। यहाँ पर ब्रज में तो कृष्ण को कोई भगवान मानते नहीं, कोई सोचते हैं सखा है, कोई सोचते हैं हमारे लाला है, कोई सोचते हैं प्रियतम है, यहाँ तो माधुर्य रस है, हैं? अभी इसको देख करके बोले आगे थोड़ी सी मैं लीला देखना चाहता हूँ। इतने में कृष्ण के बछड़े को उन्हें चुराया। सखा लोग जब गए बछड़े देखने के लिए, इधर उन्होंने सखाओं को भी उठा करके ले गया ब्रह्मा और एक गुफा में बंद कर दिया। इतने में कृष्ण ने देखा ये काम किसने किया। इतने में जोग माया स्फुरण गया। बोले प्रभु ब्रह्मा जी आपका लीला दर्शन करके वो मोहित तो हो गया है, इसलिए उसने लीला दर्शन करने के लिए बछड़े सखाओं को चुराया। इतने में कृष्ण अपना शरीर से जैसे बछड़े वैसे सखाओं को सृष्टि करके कृष्ण स्वयं स्वयं को साथ में लीला कर रहे थे। और ऐसे करते हुए 1 साल बीत गया। जब 1 साल बीत गया, इधर क्या हुआ, ब्रह्मा जी उनको छुपा करके जब ब्रह्मलोक में गया ना, इतने में ब्रह्मलोक में पहुंचने से पहले कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन गए। और ब्रह्मलोक में जाकर के जो दरवान थे बोले देखो मैंने देखा मेरे जैसे कुछ बहु रुपया को घूमते हुए, मेरे जैसे कोई आए तो अंदर में घुसने मत देना। बोले कोई चिंता नहीं, कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा जी के आसन पर बैठ गया। जब ब्रह्मा सही ब्रह्मा गए, उनका जो दरवान थे ना लठिया लेकर के ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़े। बोले हमारे प्रभु तो सही कह रहे थे, हमने कुछ बहु रुपया घूम रहे हैं। भाई भैया तू कहाँ से आ गया, हमारे प्रभु तो अंदर में बैठे हुए। ब्रह्मा देखा मेरे आसन कौन दखल कर लिया, ध्यान लगा करके देखा कृष्ण स्वयं ब्रह्मा बन करके ब्रह्मा का आसन को दखल कर लिया। ब्रह्मा तो डरते हुए वो गए और आए, क्योंकि ब्रह्मलोक का समय हमारे समय में फर्क है। वो गए और आए, आते आते इसी मरते जगत में हो गया 1 साल। कृष्ण 1 साल पहले जैसे ठाकुर लीला कर रहे थे, अभी सखाओं को साथ में कृष्ण वैसे ही लीला कर रहे हैं। फिर ब्रह्मा चौंक उठे, कहते मैंने जो सखा बछड़ा को चुरा करके रखा था क्या कृष्ण फिर वहां से ले आए? फिर जा करके देखने गए, बोले नहीं वहां तो स्वयं वैसे ही पड़े हुए। फिर इधर देखा वैसे। ब्रह्मा जी सोचे जब मैं उधर जाता हूँ ना शायद उधर के सब इधर आ जाते हैं, जब फिर इधर आता हूँ इधर के भर उधर चले जाते हैं। ब्रह्मा के 4 सर उनने 1 साथ में दोनों तरफ में देखा
जब देखा कृष्ण अपना विभूति दिखाया, क्या दिखाया, वो तो एक नारायण की नाभि कमल से सृष्टि हुई। देखा जितने पेड़ पौधा लता पता पशु सबके सब नारायण नारायण नारायण, सारे बच्चा सखड़े सब नारायण। ब्रह्मा समझ गए ये मेरे पिताजी की पिताजी की पिताजी की पिता है, क्यों मैं तो एक नारायण का नाभि कमल से मेरा सृष्टि, यहाँ तो अनंत नारायण है। फिर ब्रह्मा जी हंस वाहन से नीचे कूद पड़े और सीधा कृष्ण के चरण में गिर पड़े। लेकिन देखा उनका एक सर स्पर्श कर रहा है, लेकिन तीन सर स्पर्श नहीं कर रहा है। फिर जोर करके उन्होंने तीन सर को स्पर्श कराया। देखो यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, कहते देवता का दो गुण है। कितना गुण है, क्या दो गुण है? पहला गुण है कभी देवता का आंखों का पल्लव कभी नहीं झपती है। दूसरी गुण है देवता का जो चरण है कभी ये पृथ्वी को टच नहीं करता है। ये देवता का ये दो गुण है। लेकिन ब्रह्मा जी ने किया कि पूरा ब्रज रज में ही लौट पट खाने लग गए। बोले क्यों? तो ब्रह्मा जी की शरीर स्पर्श क्यों किया? बोले इसलिए उन्होंने समझ गए ये वृंदावन का जो धूली है ना, ये कोई साधारण धूली नहीं, जिसको स्वयं भगवान कृष्ण जो तिलक लगाए, क्या है ये ब्रज रज है, कृष्ण स्वयं उसमें स्नान अभिषेक किया है। इसलिए ब्रह्मा जी ब्रज रज में लौट पट खाने लग गए। बोले संपूर्ण मेरे शरीर ब्रज रज में अभिषेक तो हो जाए, और उन्होंने आंसू से भगवान की चरण को उन्होंने अभिषेक उन्होंने किया है। फिर खड़े होकर के 40 श्लोक से भगवान को स्तुति की। हम कोशिश करेंगे 2-3 श्लोक सुनने के लिए। देखो ये जो ब्रह्मा जी कौन है, ये हमारी आदि गुरु है, क्योंकि भगवान सर्वप्रथम ब्रह्मा जी को ही ज्ञान दिया, भाई गोपाल मंत्र दिया ब्रह्मा जी, फिर नारद, नारद जी फिर व्यास देवाए। इसलिए हमारी जो आदि गुरु है ना, ये पितामह ब्रह्मा। गुरु जी क्या करते हैं? बोले गुरु जी हमें ज्ञान देते हैं, हमें गुरु जी उपदेश देते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी बड़ी सुंदर सुंदर बात बताई। हम कोशिश करेंगे 2 श्लोकों को, उन्होंने जो बताया है 2 श्लोकों को विवेचना करने के लिए। बोले ज्ञाने प्रयास मधुपास्य नमंत एव जीवंती सन्मुखरीतंग भवदीय वार्ताम स्थाने स्थिताम श्रुतिगताम तनुबांग मनोभी जे प्रायस अजीत जित त्रैलोक्यान। ब्रह्मा जी कहते हैं देखो हमारे अंदर में जितने अभिमान हैं, कोई कोई कहते ना अरे हम इतने लिखा पढ़ा सीखा, कृष्ण वही गैया चलाता था ना, घर घर में मक्खन चोरी करता था, वही है ना। ब्रह्मा जी कहते भैया तेरा तो एक सर है, मेरा तो 4 सर है, मैं करता हूँ क्या, विश्व ब्रह्मांड को सृष्टि करने वाली। अगर कोई भगवान का एक नाम अजीत है, अजीत मतलब है जिसको पाना बड़ा कठिन है, फिर प्रश्न होता है क्या फिर हम पा नहीं सकते हैं। तो ब्रह्मा जी उसको सूत्र बताते हैं जीवन में कैसे तुम भगवान को प्राप्त कर सकते हो। बोले तुम्हारे अंदर में जितने अभिमान हैं, सबसे पहले ये सारे अभिमान को छोड़ो। हम पढ़ने वाले जानने वाले हैं, ये सारे अभिमान को पहले छोड़ो। दूसरा अर्थ है जो ब्रह्मा ऐक्य जो ज्ञान है, जो लोग चाहते हैं अपना सत्ता को ब्रह्म ज्योति में लीन कर देने के लिए, बोले ये ज्ञान को भी तुम छोड़ो और ये तत्व ज्ञान को भी तुम छोड़ो। फिर प्रश्न करते हैं, शास्त्र कहते भैया तत्व के बगैर कृष्ण को कैसे जान सकते हैं, तत्व के बगैर तो कृष्ण को जान ही नहीं सकते हैं, हैं? आप कहते हो तत्व को छोड़ने के लिए, पर पहले क्या करे? बोले सन्मुख रीतंग भवदीय वार्ताम, संतों की शरण में जाओ, संतों के चरणों को आश्रय करते हुए उनकी मुखार बिंद से कृष्ण कथारूपी मंदाकिनी की जो नदी बहती है उसमें स्नान करो। बोले कैसे स्नान करने चाहिए? बोले काय मन और वाक्य से। कैसे? शरीर से। काय मतलब शरीर। बोले भैया कथा तो मन से सुनते हैं, आप कहते शरीर से, मतलब क्या? बोले जहाँ पर कथा हो रही है वहाँ पर जाओ, वो स्थान को प्रणाम करो, कथा श्रोताओं को वक्ताओं को प्रणाम करो। इसलिए प्रणाम करते हुए क्या करो, अपना मन से ये भगवान की कथाओं को श्रवण करो। हाँ, तन बांग मनोभी, तीनों को द्वारा कथा सुनो। बोले कैसे, कहाँ पर रहे? बोले स्थाने स्थिताम,
बोले कहाँ पर रह करके कथा सुने, बोले संतों की शरण में जा करके संतों की चरण में रहते हुए कथा सुनो। यहाँ पर डायरेक्ट कहते हैं भैया ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं, जितने ज़्यादा घूमोगे ना फिर तो भवग्रह हो जाओगे, फिर वहाँ गए वहाँ जानी चाहिए, वो तीर्थ में गई वो तीर्थ जानी चाहिए। बोले संत लोग इसलिए कहते जे स्थाने वैष्णव नहीं से स्थाने पे जनाई जाए, जहाँ पर वैष्णव लोग नहीं ना वो स्थान में नहीं जानी चाहिए। हैं भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं गौर अमार जैसव स्थाने करल भ्रमण रंगे से सब स्थान हेरवामी प्रणय भगत संगी। अकेले कहीं तीर्थ में मत जाओ, संतों को साथ में भक्तों को साथ में जाओ, वहाँ की कथा सुनो। इसलिए प्रभुपाद कहते थे आँखों से धाम को मत देखा करो, कानों से देखो। मतलब क्या, वृंदावन जाओगे क्या देखोगे, बंदर घूमते हुए सूर्या को घूमते हुए देखोगे, फिर बंदर चश्मा ले जाएंगे पर्स भी उठा कर ले जाते, फल ले जाएंगे, फिर सोचोगे भैया और वृंदावन नहीं जाएंगे, क्यों आँखों से देखा है। फिर पंडाओं को फिर उत्पात है, हाँ पंडा लोग भी उत्पात है, फिर वहाँ नहीं जाओगे फिर। लेकिन जब किसी भक्तों को साथ में जाओगे, वहाँ की जब कथा सुनोगे ना, कथा सुनने पर फिर हृदय में ब्रजभाव प्रकट होगा। इसलिए काय मन वाक्य को द्वारा कथा को श्रवण करो, और कथा को कैसे सुना, बोले भवदीय वार्ताम, बोले भक्त और भगवान इनकी कथाओं को जो श्रवण करो। जैसे कि इसको बोलो भजन करो, बोले कि अभी क्या भजन करेंगे, हैं इतने जल्दी क्या, थोड़ी जल्दी हम मर रहे हैं, भजन करेंगे। बोले कैसे, बोले बच्चे लोगों को शादी हो जाए, हैं बच्चों को शादी करा दे, फिर बच्चे बड़े हो जाए, अभी तो बच्चे छोटे हैं, सबको जब सारे काम जब निपट जाएगा ना फिर भजन करेंगे। अभी तो किसका काम निपटा है, खुद निपट जाओगे, काम तुम्हारे कभी निपटने वाले नहीं हैं। इसलिए कहते ना करते हो तुम कन्या मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे, हाँ इसलिए कहते स्थाने स्थिता, मतलब है अभी तुम जिस अवस्था में हो उसी अवस्था को समझो ठाकुर जी की सबसे बढ़िया कृपा है। उसी अवस्था में रहते हुए भगवान की भजन करो, बढ़िया स्थिति तभी आएगी जब भगवान भजन करोगे। भजन किए बगैर कोई बढ़िया स्थिति आ ही नहीं सकते। अगर ऐसे अगर कोई भजन करे ना, बोले जो प्रायो सो अजीत, प्राय करके जिनको जितना बड़ा कठिन है, ऐसे भगवान भी उसकी प्रेम से भगवान भी बसीभूत हो जाते हैं, उसको प्रेम में भगवान बसीभूत हो जाते हैं। दूसरे श्लोक में कहते हैं बोले देखो जीवन में जो कुछ आता है, जीवन में जो कुछ आता है कभी भी दूसरों के ऊपर दोष मत लगाया करो, अरे उसकी वजह से हो गया, उसने ऐसे कर दिया, उसने ऐसे कर दिया मेरे साथ में। कहते भैया कोई किसी को साथ में कुछ नहीं करता है। इसलिए बोले तत्व अनुकंपाम सुषमिक्समाणम भुंजाम एवं कृतम विपाकम। देखो ये सूत्रों को अच्छे तरह से ले लो। अगर प्रभुपाद के पास में जब कोई पत्र भक्त लिखते थे ना, अक्सर करके उन्होंने इसी श्लोक को कोटेशन करके देते थे प्रभुपाद, हैं इसी आप अगर ये श्लोक याद रहेगा ना, कभी भजन कभी नहीं छोड़ोगे, भजन में कोई विचलित नहीं होगा। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी मोड़ी कोई दुख कष्ट आए ना, खाना नहीं छोड़ेंगे, पीना नहीं छोड़ेंगे, घूमना नहीं छोड़ेंगे, पहले ये माला छोड़ देंगे। मतलब माला छोड़ने के लिए पहले से हम तैयारी बैठे, ये कब हमसे छूट जाए। लेकिन ये ब्रह्मा जी कहते हैं बोले जीवन में जो कुछ आता है अपना कर्म का फल मान करके हंसते हुए भोग कर लो। इसलिए कहते हैं ना दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, और जो सुख में जो सुमिरन करे दुख काही को आए। इसलिए ब्रह्मा जी कहते हैं भैया जैसे पौधा लगाओगे वैसे ही पेड़ होगा। अगर हमने आम की गुठली बोएंगे वहां पर कौन सा वृक्ष होगा, चीकू आम होगा, और चीकू का बीज बोगे तो कौन सा वृक्ष होगा, नीम की वृक्ष बोगे तो कौन सा वृक्ष होगा। आप लोग रसोई बनाते हो, कौन कौन रसोई बनाते हो, सब रसोई बनाते हो। देखना एक चीज को समझो, कहीं आपने दाल रखा, कहीं आपने तेल रखा, कहीं आपने मसाला रखा, कहीं आपने नमक रखा, आपने जो जहाँ पर जो चीज को रखे हो जब हाथ लगाओगे वही चीज आएगा। जहाँ पर दाल रखे हो हाथ लगाओगे तो चीनी आएगा ना, दाल आएगी, अरे बोलो क्या आएगी, यही चीज को समझो।
यही चीज को समझ लो, हमने जो किया है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं हमने जो किया है उसका ही फल हम वो कर रहे हैं। इसलिए कभी किसको पर दोष को मत लगाया करो, नहीं करते हुए क्या करो, ब्रह्मा जी कहते हैं भगवान की भजन करते रहो, भगवान की भक्ति करते रहो। अगर कोई दुख कष्ट भोग कर रहे हो, ब्रह्मा जी कहते हैं अगर जल्दी से जल्दी, अगर वो पाप कैसे नष्ट होगा, रूप गोस्वामी कहते हैं प्रारब्ध कर्मति, जो प्रारब्ध कर्म को कोई भी खंडन नहीं कर सकते, बड़े से बड़े ज्ञानी भी इसको नष्ट नहीं कर सकते, कैसे होगा, रूप गोस्वामी कहते केवल हरि की नाम से होगा, हरि की नाम से ही दुख कष्ट दूर होगा। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं अगर ये हरि के नाम से जो दुख कष्ट नहीं गया है, पृथ्वी में ऐसे कोई चीज नहीं जो कि तुम्हारी दुख कष्ट को दूर कर सकते हैं। अजामिल जैसे पापी, कितना पापी नहीं किया, वाल्मीकि जैसे पापी, अजामिल छोटा बेटे का नाम नारायण रख लिया था और उसने जमदूत से डर करके एक बार नारायण लिया था, पाप खत्म। वाल्मीकि दस्यु रत्नाकर था जिसका मुंह से राम का नाम भी नहीं आया, लेकिन वो मरा मरा करते करते कहते उल्टा नाम जपत जगह जाना वाल्मीकि भये ब्रह्म समाना, और नाम लेत भव सिंधु सुखाई विचार कर सुमन मन माई। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं इसी नाम से ही जल्दी से जल्दी अगर दुख कष्ट जाएगा तो, लेकिन हम क्या लगता है हाँ गुरुदेव किया कि माला दे दिया है, कभी लटका कर रख देते हैं, हो तो हो नहीं हो अपना चेष्टा करते हैं दुख दूर करने के लिए। देखो या ब्रह्मा जी कहते हैं करोड़ कोशिश से भी दुख तुम्हारी जाने वाले नहीं है, जो इसी से नहीं हुआ दुनिया में और किसी से होने वाले नहीं। इसलिए महाप्रभु कहते हैं यह जप किया सबे करिया निर्बंध यह इत सर्व सिद्धि है वे सपार। महाप्रभु कहते हरि नाम से ही तुम्हें सर्व सिद्धि मिलेगा, ये हरि नाम से, ठीक है ना। इसलिए ब्रह्मा जी कहते जो जीवती, जीवती मतलब क्या है, जो भगवान के भजन को ही अपना जीवन सर्वस्व मना दे, भगवान की भजन ही जिसका जीवन हो, वही व्यक्ति ही ये दुख कष्ट से पार होकर के भगवान तक वही व्यक्ति ही पहुंच सकता है, ठीक है ना। इसलिए क्या करना है, अपना हरि नाम को नहीं छोड़ना। उदाहरण देकर समझा है, जैसे तुम्हारी पिताजी की अथा संपत्ति है, अरब खरब पति है, अब बताओ ये संपत्ति तुम्हें कब मिलेगा, जिंदा रहोगे तो मिलेगा ना, मर जाओगे तो मिलेगा, अब बताओ जिंदा रहोगे तो मिलेगा ना, मर जाने पर मिलेगा, जिंदा रहोगे तो मिलेगा। इसका मतलब क्या है, अगर ये भक्ति को अगर तुम कभी नहीं छोड़ोगे, भक्ति को अगर तुमने जीवन सर्वस्व बनाएगा, तभी तो कृष्ण की संपत्ति प्रेम संपत्ति मिलेगा, अगर भजन छोड़ दिया फिर मिलेगा क्या, तुम क्या मिल नहीं सकती है। इसलिए ब्रह्मा जी कहते दुनिया छूट जाए भजन को छोड़ मत, ये दुनिया तो तुमसे छूटेगा नहीं, छोड़ने पर तुमको छोड़ देंगे, वो दुनिया तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन ठाकुर जी ये नाम कभी तुम्हें छोड़ने वाले नहीं, ये चीज को गांठ बांध कर रख लो, ठीक है ना। इसलिए भगवान की भक्ति करते रहो, भजन करते रहो। जब उन्हें स्तुति कर रहे थे वो तब भी भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे थे, अभी तक उन्होंने सोचा मैं तो भगवान की स्तुति किया है, अभी तक थोड़ी सी भक्तों को स्तुति करके ब्रजवासियों को देखता हूँ, बोले अहो भाग्यम नंद गोप ब्रज उपसाम जन्मित्र परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। बोले हे प्रभु ब्रजवासियों ने इसे कौन सा पुण्य की, क्यों आप तो पूर्ण ब्रह्म सनातन हो, आप सखाओं को सखा बन गया, माताओं को बेटा बन गया और गोपियों के लिए अपने प्रियतम बन गए हो, ये ब्रजवासियों ने कौन सा तपस्या की। इतना बोलते ही ना कृष्ण हंस पड़े। फिर ब्रह्मा को पता चला भगवान का कमजोर कहाँ पर है, कमजोर कहाँ पर है। भगवान शिक्षा देते हैं मेरी सेवा से मेरी भक्ति से मैं जितने संतुष्ट होता हूँ, अगर मेरे कोई भक्तों का स्तुति करे कोई भक्तों की सेवा करे ना उससे मैं ज़्यादा संतुष्ट होता हूँ। इसलिए ब्रह्मा का कमजोर पता चला, उन्हें जल्दी जल्दी उन्हें तीन बार परिक्रमा लगाई, कितना बार, तीन बार, नियम होता है चार बार परिक्रमा लगाने का, लेकिन जल्दी जल्दी तीन बार परिक्रमा लगाए और ब्रह्मा जी वहां से बोले हे प्रभु जानंतु एव जानंतु,
अगर कोई कहता है अरे कृष्ण को मैं जानता हूँ, वही गैया चराने वाले, मक्खन चुराने वाले, ब्रह्मा जी कहते मैं चार सार में ब्रह्मा कहता हूँ, पृथ्वी का धूल कणा को कोई गिन सकते, बारिश का बूंद को कोई गिन सकते, लेकिन इसलिए भगवान की महिमा को कोई नहीं गिन सकते हैं। इसलिए तीन बार परिक्रमा करके ब्रह्मा जी वहां से चले गए। ये बात कौन कह रहा है? ब्रह्मा जी इंद्र को कह रहे हैं। बोले इंद्र, ये कृष्ण ऐसे एक अवतार है, सभी की अभिमान इसने तोड़े हैं, सभी की अभिमान। यहाँ तक भी जब कृष्ण गुरुकुल में गए थे, गुरुकुल में गुरुजी ने क्या उनको दक्षिणा मांगे? इनकी विद्वता को देख करके समझ गई ये भगवान है, नहीं तो 64 दिन में 64 विद्या कोई नहीं पढ़ सकता है। जैसे कोई सीए कोई डॉक्टरी करता है, देखना साल भर उनको पूरा जीवन लग जाती है, सारे विद्या 64 तरह का हमने 64 दिन में अध्ययन किया। बोले लगता है भगवान है। बोले प्रमाण कैसे होगा? बोले भगवान कहते हैं कि इसको, बोले मरने वाले व्यक्ति को जो जिंदा कर सकता है और जिंदा वालों को जो मार सकता है, दिन को रात और रात को जो दिन कर सकता है, हम अपना मरे हुए बेटे को दक्षिणा रूप में मांगेंगे। कृष्ण ने क्या किया? जब महाराज के पास में गए, शंख बजाए तो जम थरथर थरथर कांपते हुए आए। बोले क्यों? लगता है मेरा नंबर आ गया है, क्योंकि ब्रह्मा की इंद्र की देवता का अभिमान उन्होंने तोड़े, उनको लगा जैसे मेरा ही नंबर आ गया, थरथर कांपते हुए आए। बोले प्रभु क्या सेवा करे? बोले मेरे गुरु जी की मरे हुए बेटे को वापस दे दो। तो उन्होंने मरे हुए बेटे को उन्होंने वापस लाए। गुरुदेव ने कहा बेटा बहुत शिष्य तो गुरु दक्षिणा दिए हैं, तेरे जैसे किसी ने हमें गुरु दक्षिणा नहीं दिए हैं, नहीं दिए हैं। फिर जब माता देवकी को पता चला, बोले बेटा मेरा भी 6-6 बच्चों को कंस ने मार डाले, मेरे मन में भी इच्छा, भगवान गए फिर जामपुरी में सारे बच्चों को वापस लेकर गए ठाकुर जी। इसलिए ये कौन है? ये बोले भगवान है, हैं ये भगवान है। इसलिए इंद्र को बोले जाओ एक काम करो, भगवान का नाम गोपाल जो गैया को पालन करते हैं, तुम जाओ सुरभि गाभी की आनुगत्य में ठाकुर की शरण में जाओ। जब ठाकुर जी की शरण में गए, ठाकुर जी बोले इंद्र तेरे मन में बड़ा अभिमान हो गया था, मैं स्वर्ग का राजा हूँ और ब्रजवासी मेरे प्रजा हैं, तुम्हारे अभिमान को दूर करने के लिए मैंने ये लीला की, खबरदार कभी अभिमान जीवन में नहीं करनी चाहिए। फिर इंद्र ने ठाकुर जी का अभिषेक की और ठाकुर का एक नया नाम दिया, गोविंद नाम दिया। बोले श्री गोविंद भगवान की, बोले श्री गोविंद भगवान की जय जय श्री राम। इसलिए उन्होंने गोविंद नाम दिया। ये जो गोविंद नाम है ना, ठाकुर जी को बड़ा प्यारा नाम है। गोविंद मतलब क्या है? गो मतलब होता है इंद्रियां, गो मतलब गाभी, गो मतलब गोप, गो मतलब पृथ्वी, बिंदति मतलब सबको जो आनंद देने वाले श्री गोविंद जी। लेकिन यद्यपि ये सबको आनंद देते हैं, लेकिन ये पूर्ण रूप में किसको आनंद देते हैं? कदी ये पूर्ण रूप में, कदी श्रीमती राधा रानी को, ये पूर्ण रूप में श्री राधा रानी को ये आनंद देते हैं। बोले श्रीमती राधा रानी की, कहते इसको बाद में ठाकुर जी ने रासलीला किया है। वो कहाँ गया? हरे कृष्णा गौर सुंदर। इसलिए इसको बाद में ब्रज गोपियों ने कात्यायनी पूजा की है, 1 महीना तक कात्यायनी पूजा की। ठाकुर जी उनको कृपा करके दर्शन दिए और दर्शन दे करके बोले देखो मैं जब शरद पूर्णिमा में रास करूँगा तभी तुम्हारी समस्त इच्छाओं को मैं पूरी करूँगा। अभी ठाकुर जी रास करने जा रहे हैं, लेकिन रास करने से पहले सबको सावधान कर देते हैं। बोले भैया जो रास रचा है ना, ये साधारण जीव कोई रास रचाने वाले नहीं। कौन है? बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका बिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायांग मुपाश्रिता। सबको सावधान कर देते हैं। बोले सावधान, बोले किस चीज की? कभी कभी क्या होता है ना, भगवान ऊपर हम अंगुल उठाते हैं, हे क्या कृष्ण सब गोपियों को लेकर नाचे हैं, कितना 7 करोड़ गोपियों को लेकर प्रभु रासलीला किया है, कितने गोपियों को? कोई कोई कहते ना क्या कृष्ण रास कर सकता, हम कोई रास नहीं कर सकते हैं। कोई कोई कहते ना क्या कृष्ण ही रास कर सकता है, हम कोई रास नहीं कर सकते हैं। बोले नहीं भैया तुम रास नहीं कर सकते हो,
घर में दो पत्नी होना, देखना घर में कैसे महाभारत चलती है। आप देखना लड़की जब शादी करके, आप देखना जब जब ससुर घर जाती है ना रोती है, आप लोग तो रोए होंगे ना, रोएगी नहीं? जो लड़कियां शादी करके ससुर घर जो रोते हैं ना, तब एक लड़की शादी करके ससुर घर जा रही थी, बहुत रो रही थी। परिवार समझा रहे थे, कोई बेटी चिंता मत करो, हम भी जाएंगे, तुम भी बीच बीच में आना, क्यों रोती हो? लेकिन उसकी रोना ही बंद नहीं हो। इतने में पति ने कहा, है रोती जा रही, चुप हो जा, रोती जा रही, रोना बंद नहीं हो रहा है। वो क्या कहती है जानती हो? बोले, जीवन में पहला बार मैंने रो दिया, आज से मेरा रोना बंद, कल से तेरा रोना शुरुआत हो जाएगी। किसी घर में दो पत्नी थी, वो दिन भर पति बाहर काम करता है, घर में आए तो रोज महाभारत, रोज लड़ाई। उसने सोचा इनके लिए दो मंजरी बना देता हूँ, एक ऊपर और एक नीचे रहेगी तो शांत रहेगी। लेकिन जब आए ना, जो नीचे रहती है पत्नी, वो जोर जबरदस्ती पकड़ कर नीचे ले जाती है। लेकिन जो ऊपर थी वो परेशानी, बोले ये रोज की घटना है। तो एक दिन वो नीचे उतर करके आ गए, जब पति काम करके आए ना, बोले रोज रोज नीचे चले जाते, ऊपर बैठी जाते, चलो ऊपर में। इतने में पकड़ करके जब ले जा रही थी ना नीचे जो थी, बोले भैया मैं भी तो बैठी हुई तेरे लिए। एक तो हाथ पकड़ करके ले जा रही थी, एक ने टांग पकड़ लिया। अभी कोई छोड़ नहीं रहे, एक हाथ एक टांग, कोई छोड़ नहीं, बोले छोड़ो छोड़ो, कोई छोड़ने के लिए राजी नहीं। बड़े देर से जब उनने छोड़े, इतने में घर में देखा कि चोर बैठा हुआ, चोर चोरी करने आया। इतने में चोर को पकड़ लिए, चोर को लेकर पुलिस के पास में गए, बोले इसको क्या सजा दिया जाए? देखो चोर क्या कहता है, बोले सारे सजा लेने के लिए तैयारी, मेरे को एक सजा नहीं दो, मेरे घर में दो पत्नी नहीं होनी चाहिए, दो बीवी घर में नहीं होनी चाहिए। मैंने देख लिया दो पत्नी होने पर कितना लड़ाई, कृष्ण कितने गोपियों के साथ मेरा आश्रय चाहे 100 करोड़, और कृष्ण 16,108 पटरानियों के साथ में शादी की। नारद देखने के लिए तो गए, तो चमत्कृत हो गए, हर घर घर में गए, ठाकुर जी अलग लीला देखते मिला। उनके लिए 16,108 उनके लिए महल थी, हर महल में कहीं बच्चों को लेकर के कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं यज्ञ कर रहे हैं, कहीं वहाँ पासा खेल रहे हैं, अलग अलग लीला करते हुए देखे, और सब समय ठाकुर को स्वागत किए। इसलिए भैया रास रचया कोई साधारण नहीं कि भगवान, पहले हमने सुन करके आए, ये गोपियाँ भी कोई लड़की है ही नहीं, ये वेद का मंत्र है, दंडकारण्य का ऋषि, ये सब के सब कठोर तपस्या करके ये ब्रज में गोपी रूप लेकर के आए, नहीं तो कृष्ण स्वयं शंकर जी गोपी बन करके आए कि नहीं? गोपीश्वर महादेव का नाम सुने कि नहीं? फिर भैया शंकर जी क्यों गोपी बन करके आए, क्यों आए? कारण है हमारी जो आँख है ना, ये हमारी आँख में काम क्रोध बैठा हुआ है। जैसे आकाश का एक रंग है, आप देखना जिस रंग का चश्मा पहनो वो आकाश हमें उसी रंग से दिखता है। हमारे हृदय में काम क्रोध है, लोभ है, हम क्या कहते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम हमारे अंदर में जैसे कामना वासना कृष्ण के अंदर में से अद भेजे नहीं भैया, वहाँ पर काम नाम का कोई चीज है ही नहीं, वहाँ पर तो प्रेम है, वहाँ पर काम है ही नहीं। नहीं तो शंकर जी क्यों गोपी बन करके आए, ये नारद क्यों गोपी बन करके आए, ये ब्रह्मा क्यों गोपी बनने के लिए तैयारी? हम भी जो भजन कर रहे हैं, हम भी गोपी बन करके कृष्ण सेवा करने के लिए तैयारी। गोपी कोई लड़की नहीं, गोपी एक भाव है, ठीक है ना? अभी भगवान कृष्ण ने रास रचाए, हमारे ये प्रभु जी आपको रास का विषय पर, रासलीला का संबंध में हमारे कुछ ये गौर सुंदर प्रभु आप कुछ बोलेंगे। अच्छा एक मिनट कीर्तन कर दो, हाथ में ताली बजा दो। ये हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि 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 बोल हरि हरि बोल वृंदावन में राधे सेवा कुंज में वृंदावन बिहारी लाल की अज्ञानपिनिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्णचैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्त वृंद बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वप्रथम मैं मेरे गुरुपाद पद्म परमानंदम श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज के चरण सरोज में असंख्य कोटि कर्मण प्रणति यापन करता हूँ। तदुपरांत परम गुरुदेव वर्ग नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर्शित श्री श्रीमद् भक्ति स्वरूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरणों का आश्रय लेते हुए समस्त गुरु परंपरा के चरणों में असंख्य कोटि कर्मण प्रणाम। उपस्थित श्रीपाद भक्ति साध महाराज अन्य अन्य समस्त वैष्णव वैष्णवी समस्त हरिकथा श्रोत मंडली सभी के चरणों में यथायोग्य प्रणाम। श्रीमद् भागवत की बड़ी मधुर कथा में हम गुरुदेव के मुखारविंद से पान कर रहे हैं और विशेष करके भागवत का प्राण स्वरूप जैसे शरीर में भौतिक शरीर में पंच प्राण होते हैं उसी प्रकार भागवत का पंच प्राण बताया श्री व्यास पंचाध्याय को। और ऐसे विषय को यद्यपि वर्णन करने के लिए मैं पूर्ण रूप से अयोग्य हूँ लेकिन फिर भी ये दृष्टता केवल मात्र गुरुदेव का आदेश पालन करने के लिए कर रहा हूँ। यदि कोई भूल त्रुटि होगी तो आप निष्गुण से क्षमा करेंगे। हम श्रवण कर रहे थे गुरुदेव के मुखारविंद से कि भगवान ने जब रासलीला प्रारंभ करी है सुखदेव गोस्वामी प्रथम श्लोक में ही सभी को सावधान करते हुए कहते हैं भगवान अभितारात्री अर्थात ये रास रचैया कोई साधारण व्यक्ति नहीं ये साक्षात भगवान है।
भगवान का अर्थ क्या हुआ? कहते हैं कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम यह सत्य थे सैव ईश्वर, जो भगवान ईश्वर जो आज रास रचैया के रूप में विराजमान है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वो इम्पॉसिबल, जो असंभव को संभव कर सकते हैं और संभव को असंभव कर सकते हैं। कैसे? उदाहरण के तौर पर भागवत में यदि अध्ययन करके देखेंगे, किसी मृत व्यक्ति को जीवित करना साधारण व्यक्ति के वश का काम नहीं, किसी मरे हुए व्यक्ति को पुनर्जीवित नहीं कर सकते, लेकिन भगवान ने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन तीन बार एक मृत व्यक्ति को जीवित किया है। भागवतम दशम स्कंध के अंदर वर्णन है, जब भगवान बलराम जी के साथ में अपने गुरुदेव सांदीपनि मुनि के पास में गए थे, 64 दिनों में भगवान ने 64 कलाएं सीखी। सांदीपनि मुनि और उनकी पत्नी दोनों को विश्वास हो गया कि निश्चित रूप में ये कोई साधारण जीव नहीं, ये साक्षात भगवान है, तो हम क्यों ना इनसे गुरु दक्षिणा के रूप में हमारे मृत पुत्र को ही मांगेंगे। जब गुरु शिक्षा पूर्ण हुई, गुरुदेव ने कहा कि हमारा पुत्र इस प्रकार सागर में डूब के मर गया था, तो उसे ही हमें दक्षिणा रूप में प्रदान करो। कृष्ण जाकर और यमलोक से मृत गुरु पुत्र को लेकर आए, मरे हुए व्यक्ति को भगवान ने जीवित कर दिया। द्वारका में भी जिस समय पर एक ब्राह्मण पुत्र की बार बार हत्या हो जाती थी, उसी समय में भी भगवान ने यमलोक से जाकर उस मृत ब्राह्मण पुत्रों को वापस लेकर आए हैं। और देवकी के जो 6 पुत्र थे जिनको कंस ने मार दिया था, उनकी कोई उनको भी भगवान ने पुनर्जीवन प्रदान किया, देवकी मैया का स्तन पान लोगों करके बाद में वो भगवत लोक को गए हैं। तो यहाँ जो रास करता है कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, और जो रास में आने वाली श्री ब्रज गोपियां हैं हम सुन रहे हैं वो भी साधारण नहीं, ये लीला कोई काम लीला नहीं है, ये लीला केवल मात्र सेवा परायण को दिखाने के लिए है। ब्रज गोपियों की एकमात्र उद्देश्य है कृष्ण की सेवा। और यहाँ पर कृष्ण कौन है? कहते हैं आत्मा राम। आत्मा राम मतलब जिसके हृदय में कोई इच्छा नहीं रहती है, लेकिन आत्मा राम पुरुष के हृदय में भी आज इच्छा हुई है ब्रज गोपियों के साथ में रास विहार करने की। रास का साधारण रूप में यदि अर्थ श्रवण करेंगे कि एक नायक अनेक नायिकाओं के साथ में यदि बहुत तीव्र गति से नृत्य करता है तो उसको कहते हैं हलीसक नृत्य, और ये हलीसक नृत्य बहुत तालबद्ध जब हो जाता है तो उसे कहते हैं रास। रास मतलब रसा नाम समूह इति रास। इसलिए ये रास लीला को वर्णन करते हुए सुखदेव गोस्वामी सभी को सावधान कर रहे हैं कि भैया किसी के हृदय में कोई जड़ भावना ना आ जाए। आज कृष्ण जब शरद पूर्णिमा को रात को देखा है, भगवान अभी तारात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका आकाश में पूर्ण चंद्र जब उदित हुआ है उसका दर्शन करके और ब्रज की सुंदरता को दर्शन करके, ब्रज में यमुना बड़े सुंदर शब्द से कलकल नाम करते हुए प्रवाहित हो रही है, जूही बेली चंप मल्लिका इत्यादि पुष्प वहां पर प्रस्फुटित हो गए हैं और जिनकी सुगंध से समस्त ब्रज उद्भाषित हो रहा है। आज कृष्ण ने जब इतना सुंदर परिवेश देखा उस समय पर आत्मा राम अपि अरिरमत, आज ये आत्मा राम पुरुष के हृदय में इच्छा हुई रास करने की। भगवान ने क्या किया? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आज मुरन्यवन्यमलक्षतोद्यमान सयत्र कांतो जगदोल कुंडल। भगवान ने आज वंशीवट के नीचे खड़े होकर और कदंब वृक्ष के नीचे त्रिभंग ललित स्वरूप धारण करके और वंशी ध्वनि बजाई, और ये वंशी ध्वनि कैसी थी? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा। एक उदाहरण देकर बताते हैं चक्रवर्ती पाद, ये कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। कृष्ण कौन है? बोले ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम गोपांगना नाम च दुपूर चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। अरे समस्त चोरों के सरदार हैं ये कृष्ण, ब्रज गोपियों के घर घर जाकर केवल मात्र माखन चोरी नहीं करते थे, पापियों के पाप को चोरी कर लेते हैं, ब्रज गोपियों के हृदय को चोरी कर लेते हैं, चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि। सबसे सर्वश्रेष्ठ चोर आज ये कृष्णचंद्र वंशीवट के नीचे जब खड़े हैं, मुरली नाद तो करी है मानो अपने एक दूत को ब्रज के अंदर भेज दिया। बोले किस लिए? बोले तो साधारण है, अरे मालिक थोड़ी ना कहीं जाता है, चोर का सरदार जो होता है वो तो एक स्थान पर बैठा रहेगा, अपने अनुयायी को भेज देता है चोरी करने के लिए। आज ये वंशी ध्वनि उसी प्रकार कृष्ण के यहाँ से धावित होती हुई ब्रज में गई है, और ब्रज में जब गई थी
उस समय पर क्या हुआ, बोले उनको कपाट खुले हुए मिले। चोर अगर चोरी करने के लिए घर में आए, दरवाजा बंद हो, तब तो कुछ परिश्रम करना पड़ेगा। आज ब्रज गोपियों के कान रूपी कपाट खुले हुए थे, इसीलिए क्या किया, बोले कान रूपी कपाट से हृदय के अंदर प्रवेश कर दे। और हृदय के अंदर प्रवेश करके उनका धैर्य, विवेक, लज्जा, कृष्ण प्रेम रूपी जो संपत्ति थी उसका पूर्ण रूप में हरण करके, और ये ब्रज गोपी, ये द्युति क्या कर रही है, ये वंशी उसे लेकर जा रही है। ब्रज गोपियां तो व्याकुल होती जा रही है, हमारी जो संपत्ति थी इतने समय से हमने सहज करके प्रेशर के अंदर रख रखी थी, आज ये द्युति उसको देखकर चली जा रही है। अरे चोर अगर भागता हुआ दिख जाए तो उसके पीछे पीछे जाकर पकड़ेंगे। तो आज ब्रज गोपियां भी उसी प्रकार क्या कर रही है, आज अन्यो अन्यम लक्ष्य दुर्यमान, समस्त ब्रज गोपियां उसी वंशी बलि के पीछे पीछे पागल होकर भाग रही है। किसी ने और दूसरी गोपी क्या कर रही है, कैसे जा रही है, उसको लक्ष्य भी नहीं किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं आजम्बु का अर्थ हुआ कि वो आई है, ब्रज गोपियां आई है। सुखदेव तुम कहते हैं परीक्षित, तुम देखो ब्रज गोपियां आ रही है। मानो सुखदेव गोस्वामी भी वो तो एक प्रिया सुख है, श्री राधा जानकी रानी के प्रिय सुख है, इसीलिए वो भी वहां पर विराजमान है। और कहते हैं आज अपुरण्यो अन्यम रक्षतो यमान, एक दूसरे की तरफ ध्यान ही नहीं, बावरी होकर और कृष्ण की वेणुध्वनि के पीछे 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 भागती जा रही है। कृष्ण की वेणुध्वनि के पास जब सुनकर आ रही है, सुखदेव गोस्वामी वहां पर 10 कार्यों का वर्णन करते हैं। दोहंत्यो अभियो काश्य दोहम हित्वा समुत्सुका पयो अधिश्रित संयामम श्रंत्यो पायश भोजनम भगवान का भजन करो। आज सुखदेव गोस्वामी ने, बड़ा समय अप्रमत्त है इसलिए संक्षेप में वर्णन कर रहा हूँ। सुखदेव गोस्वामी ने वहां पर 10 कार्यों का वर्णन किया है कि क्या क्या परित्याग करके और ब्रज गोपियां कृष्ण के पास में आई है। कोई ब्रज गोपी वहां पर गोदोहन कर रही थी, गोपियों की साधारण प्रीति होती दूध दही को लेकर, कोई गोपी वहां पर गैया का दोहन कर रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण की वंशी कान में गई, दोहम हित्वा, वहीं पर जो दोहनी थी उसका परित्याग करके और कृष्ण की वंशी बनी के पीछे पीछे आने लग गई। संत लोग प्रश्न करते हैं कि दोहनी जो पड़ी हुई थी उसको परित्याग क्यों कर दिया, उसे फेंक क्यों दिया। बोले किंचित मात्र समय के लिए यदि उस दुग्ध करे हुए दूध में आसक्ति रह जाती तो कृष्ण की विस्मृति ना हो जाए, इसीलिए दोहम हित्वा। और क्या किया, बोले कोई गोपी अपने पति को परिवेशन कर रही थी, आप लक्ष्य करके देखना यदि हम किसी को भोजन परिवेशन कर रहे हैं, ध्यान पूरा उसके थाली की तरफ रहता है, उसे क्या चाहिए, क्या चीज खत्म हो गई, क्या मैं और दूं। लेकिन आज ये ब्रज गोपी जब पति की परिवेशन कर रही है कृष्ण की वंशी ध्वनि कान में जाते ही, और वहीं पर उसने परिवेशन पति को खाना हो तो खाओ मैं तो चली, वहीं पर रोटी छोड़कर फेंक कर और ब्रज की वही गोपी कृष्ण के पास में आ रही है। कोई गोपी बच्चों को स्तनपान करवा रही थी, दूध पिला रही थी, लेकिन उसको भी परित्याग कर दिया। साधारणतः देखना महिलाओं की यद्यपि देवार्चना में रुचि होना हो, भगवान की अर्चना में रुचि होना हो, देहार्चन में बड़ी रुचि होती है, श्रृंगार में बड़ी रुचि होती है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं लिम्पन्ते प्रव्रजन्ते अन्या अंजन्ते काश्यलोचना। कोई गोपी गाल पर उबटन लगा रही थी, क्रीम लगा रही थी, लेकिन जैसे ही कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनी वो क्रीम वहीं की वहीं लगी रह गई, उसे भी ठीक से लगाया नहीं और चल उठी। किसी गोपी ने एक आंख में काजल लगाया था, दूसरी आंख में काजल लगाया भी नहीं, उसको भी छोड़कर चली गई। किसी ने गले का हार पहन लिया मस्तक पर और कमर की करधनी गले में, नाक की बेसर पहन ली कानों में, कानों की कुंडल नाक में लगाकर व्यतिस्त वस्त्राभरणा काश्चित कृष्णांतिकम येयुः, सब अस्त व्यस्त वस्त्र होकर केवल मात्र पागलों की भांति समस्त आसक्ति को परित्याग करके कृष्ण की वंशी ध्वनि, कृष्ण की वंशी ध्वनि केवल मात्र कान में पड़ रही है, उसके पीछे जा रही है। टीकाकार वर्णन करते हैं जब तक इस संसार की आसक्ति पूर्ण रूप में खत्म न हो जाए, पहले तो कर्मासक्ति, घर के कार्य में जो आसक्ति उसको परित्याग किया, उसके बाद में बड़े पुत्र परिजनों के प्रति जो आसक्ति है, संबंधियों की, वो भी आसक्ति छोड़ दी, अरे देह की आसक्ति पर छूट गई, उसको परित्याग करके और कृष्ण सेवा के लिए उपस्थित हुई है। कोई संत वर्णन करते हैं
बोले ब्रजगोपियां तो अपनी नींद को भी कभी भी कोसती हैं, बोले नींद तो है बेचू की आली जो कोई ग्राहक होए। अरे आए मोहन फिर गए अंगना, तुम पैरन रही सोए, नींद तो है बेचू की आली। बोले इस नींद अगर कृष्ण घर में आए थे उस समय पर ब्रजगोपी को शयन करती हुई रह गई, कृष्ण केवल मान उसका दर्शन करके और चले गए, आज उसकी सेवा भी नहीं कर पाई, इसलिए नींद तो है बेचू की आली। समस्त आसक्तियों को परित्याग करके कृष्ण के सामने ब्रज गोपियां उपस्थित हुई। कृष्ण भी मन ही मन विचार कर रहे हैं कि यदि आने के साथ साथ ही रास आरंभ कर दिया तो इनकी जो व्याकुलता है वो शांत हो जाएगी, इसलिए क्या किया उन्होंने, उन्होंने भी वहां पर उपेक्षा में वचन कहे हैं। कृष्ण कहने लगे स्वागतम हे महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्य नामयं गच्छे ब्रजगोपियों का स्वागत करते हुए कहते हैं हे महाभाग्यवती ब्रजगोपियों तुम्हारा स्वागत है, जो कृष्ण सेवा के लिए समस्त आसक्तियों का परित्याग करके सब कुछ परित्याग करके आते हैं, साक्षात कृष्ण उनका स्वागत करते हैं, रमण बिहारी जी उनका स्वागत करते हैं, आप लोग जो कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं साधारण नहीं। कृष्ण ने केवल मात्र दो ही बार ही स्वागत शब्द का प्रयोग किया, एक बार ब्रजगोपियों के लिए और एक बार यज्ञपत्नियों के लिए, क्योंकि दोनों ही अपने पतियों को परित्याग करके कृष्ण सेवा के लिए उपस्थित हुई। कृष्ण कहने लगे भ्रूतागमन कारणम, अरे यहाँ पर क्यों आई हो आधी रात में, तुम्हारे आने का क्या कारण है वर्णन करो। ब्रजगोपियां मन ही मन विचार करती हैं कि बंशी बजाकर खुद ने हमें बुलाया है और अब प्रश्न करते हैं हम क्यों आई है। कृष्ण कहने लगे ओ ये रात्रि की शोभा देखने आई हो ना, शरद पूर्णिमा की रात उपस्थित हुई है, बड़े सुंदर मल्लिका जूही बेली चमेली के पुष्प खिले हुए हैं, यमुना का सुंदर नीर प्रवाहित हो रहा है, ठीक है रात की शोभा का दर्शन करो, लेकिन सावधान रजन्येषा घोर रूपा घोर सत्व निषेविता प्रतियात व्रजम नेहम स्त्री सुमध्यमा। अरे ये रात्रि बड़ी घोर है, घोर रात्रि है, और तो और यहाँ पर हिंस पशु भी रहते हैं, शेर भालू और गिद्ध सारे सब पशु यहाँ पर विराजमान है, और तुम लोग तो देखने में भी बड़ी सुंदरी हो, इसलिए क्या करो प्रतियात व्रजम नेहम, अरे घर की ओर लौट जाओ, यहाँ रहना तुम्हारा ठीक नहीं। अरे क्या ब्रज में कोई विपत्ति आई है, ब्रज में कोई विपत्ति आई है जो मेरे से रक्षा मांगने आई हो। ब्रज गोपियां तो मौन खड़ी हैं। कृष्ण स्वयं ही उत्तर देने लगे मानो कि अगर ब्रज में विपत्ति आती तो केवल मात्र तुम नहीं आती, समस्त ब्रजवासी आते, लेकिन लगता है ब्रज में कोई विपत्ति तो नहीं, पति से झगड़ा हुआ है। उस समय पर कृष्ण कहने लगे कि देखो पति चाहे बड़ा महामूर्ख दुर्भागा दुशील और अत्यंत क्रोधी भी क्यों ना हो, लेकिन तब पर भी एक सती स्त्री को पति की सेवा ही करनी चाहिए। कृष्ण ब्रज गोपियों के माध्यम से संसार को शिक्षा देते हैं कि पति चाहे जैसा भी स्वभाव क्यों ना हो, एक सती स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना। कृष्ण ब्रज गोपियों से कहने लगे, संत लोग उदाहरण देते हैं, एक समय पर कोई योगी वन के अंदर एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहा था, तपस्या करते करते उसकी सिद्धि हो गई थी तो, लेकिन उसे पता नहीं था, ऊपर से अभी वृक्ष के ऊपर एक पक्षी था, पक्षी ने उस संत के ऊपर विष्ठा कर दी, बीट कर दी, तो देखकर तो बड़ा क्रोधित हुआ, जैसे ही ऊपर उठकर और पक्षी की तरफ देखा क्रोध से, वो पक्षी वहीं पर मर के और नीचे गिर गया। तब उसे रियलाइज हुआ, तब उसे अनुभूति हुआ कि मुझे तो सिद्धि प्राप्त हो गई है, बस अभिमानित होकर और जब ग्राम में भिक्षा करने गया है, एक युवती एक पति पत्नी जहां रहते थे दंपत्ति, वहां जाकर भिक्षा करने लगा, भिक्षा कर रहा है तो उस समय पर स्त्री कहने लगी ठीक है आप रुकिए मैं आती हूँ भिक्षा लेकर। अभी द्वार पर खड़ा है, काफी समय हो गया वो स्त्री भिक्षा लेकर नहीं आ रही है, उसे तो धीरे धीरे क्रोध आने लगा। जब कुछ समय बाद में वो स्त्री वापस आई है, ये संत तो अत्यंत क्रोधित होकर उनसे प्रश्न करने लगे, बोले इतने समय तक क्या कर रही थी, इतना समय क्यों लगा दिया, जानते नहीं मैं कोई साधारण संत नहीं। उसी समय पर वो स्त्री कहने लगी, बोले ए बाबा मुझे उस वन के पक्षी की तरह दुर्बल मत समझना कि तुम्हारे क्रोध से मैं भी भस्म हो जाऊंगी, मैं सब जानती हूँ, अरे मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और पति सेवा एक सती स्त्री के लिए सबसे बड़ा कर्तव्य है, उसे परित्याग करके मैं तुम्हें भिक्षा कैसे पहले दे दी थी, इसीलिए मुझे कोई साधारण मत समझो। बोले तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास सिद्धि है और वो पक्षी को मैंने इसी तरह से मार दिया। बोले मैंने अपने पति सेवा कर ली, पतिव्रता धर्म का पालन करते करते मुझे इतनी शक्ति प्राप्त हो गई कि मैंने
मैं सब जानती हूँ तुम क्या कर, तुम्हारा पूर्व में क्या करके आए हो। बोल परमानंद भक्ति विधान श्री रमन महाराज की। हरे कृष्ण। तो ब्रज गोपियां यहां पर कृष्ण के ऐसे तर्कों को सुनकर मनी मन बड़ी विचलित हो रही हैं, और कभी कृष्ण को ऊपर से उठाकर आंख नजरें उठाकर देखती, कभी पैरों की अंगुलियों से नाखून से धरती को कुरेदने लगती। मनी मन विचार कर रही है कि यहाँ पर आकर इस तरह के उपेक्षा मूलक वचन सुनने के लिए हम थोड़ी ना आए हैं। कृष्ण को उसी समय पर ब्रज गोपियां कहने लगी कि देखो कृष्ण, तुमने तो हमें बड़े सुंदर रूप में कथा सुनाई, हम भी तुम्हें एक कथा सुनाना चाहते हैं। बोले कहो। ब्रज गोपियां वर्णन करती है कि एक समय पर एक दंपति पति पत्नी एक घर में बड़े सुखपूर्वक रहते थे। किसी कार्यवशतः अगे पति को बाहर जाना है, तो पति पत्नी प्रश्न करने लगी कि मैं तो सब चेष्टाएं आपके लिए करती हूँ, भोजन बनाती हूँ आपके लिए, श्रृंगार करती हूँ आपके लिए, आप यदि मुझे छोड़कर चले जाएंगे तो फिर मैं कैसे जीवित रहूंगी। पति कहने लगा कि मैं केवल 7 दिन के लिए जा रहा हूँ, चिंता मत करो, मैं अपनी एक पत्थर की मूर्ति तुम्हें दे देता हूँ, उस पत्थर की मूर्ति को ही भोग लगाना, उस पत्थर की मूर्ति से ही तुम प्रीत व्यवहार करना, ठीक है। अभी 7 दिन बाद में, 7 दिन तक ये स्त्री उसे पत्थर की मूर्ति की सेवा कर रही है। 7 दिन बाद में जब वो पति वापस आया है, ब्रज गोपियां प्रश्न करती कि कृष्ण तुम बताओ, अभी इस पत्थर की मूर्ति को परित्याग करके और असली पति की सेवा करना चाहिए ना उस पत्नी को अभी भी पत्थर की मूर्ति की पूजा करनी चाहिए। कृष्ण कहने लगे कि जब असली पति आ गया है जब, तो फिर उस समय में इस काट इस पत्थर की मूर्ति की क्या आवश्यकता। ब्रज गोपियां कहने लगे कि देखो कृष्ण, तुम ही हमारे परम पति हो, गीता में तुमने कहा पिता अहमस्य भ्राता माता पितामह, इसलिए तुम हमारे परम पति हो। अरे हमें घर के जाने के और कह रहे हो घर में जाने के लिए, लेकिन वो पति तो हमारे परम पति नहीं, वो तो केवल मात्र इस शरीर के पति हैं। जब सती स्त्री अपने पतिव्रत धर्म का पालन करती है तो उससे उसे परमेश्वर की प्राप्ति होती है। अरे आज जब हम साक्षात तुम्हारे सामने खड़ी हैं तो तुम हमें वापस जाने को क्यों कह रही हो, तुम हमें वापस जाने को क्यों कहते हो, हम वापस नहीं जाएंगी। मानो कृष्ण आज ब्रज गोपियों के हृदय के उद्गार प्रकट करवाना चाहते हैं। कृष्ण उसी समय पर जब ऐसे कटु वचन उपेक्षामय वचन कह रहे थे, ब्रज गोपियों ने बड़े सुंदर रूप में वहां पर प्रणय गीत का गान किया है। सिंचांग मैवं विभो वर्हति भवां गदितुं नृशांसं संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूल भक्ता भजस्व सर्व द्रोहमान् त्यजस्मान् देहो यथाधि पुरुषो भजते मोक्षम। ब्रज गोपियां प्रणय की भिक्षा करते हुए कहती है, बोले मैवं, बोले ऐसा मत कहो, अरे राजा का बेटा है तो ये मतलब थोड़ी ही कुछ भी वर्णन करता जाएगा। संत्यज्य सर्व विषयान् तव पादमूल, हम सब कुछ परित्याग करके और तेरी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हुई हैं। कोई कोई संत लोग यहाँ अर्थ करते हैं, बोले त्रेता युग के अंदर प्रभु राम जब रावण के साथ में युद्ध कर रहे थे, उसी समय पर विभीषण ने रावण को समझाया। विभीषण जब रावण से वार्तालाप कर रहा था, रावण ने क्रोधित होकर विभीषण का परित्याग कर दिया, रावण उसी समय पर प्रभु राम की शरण में आया था। श्री विभीषण राम की शरण में आया था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन करते हैं, संतच पांडुनाम पुत्र च विभीषण, कि उन्होंने क्या किया था, बोले अपने बांधवों को अपने परिजन को परित्याग करके राम की शरण में आया था, लेकिन प्रभु राम ने क्या किया, स्वीकार कर लिया, स्वीकार किया था ना। कृष्ण यहाँ पर ब्रज गोपियां संत्यज सर्व विषयान् तव पादमूल, माने यहाँ पर सब कुछ परित्याग करके ब्रज गोपियां कृष्ण की सेवा के लिए उपस्थित हुई है, और यहाँ पर कृष्ण उनको उपेक्षामय वचन कह रहे हैं। इसीलिए ब्रज गोपियां मानो प्रणय की भिक्षा करती है कि तुमने हमारे हृदय में जो विरह अग्नि छुपी हुई थी तुमने क्या किया, बोले उसे वापस उजागर कर दिया है। बोले कैसे, बोले हासावलोक कल की तज रिच्छे अग्नि, हमारे हृदय में जो अग्नि थी उसको, वो तो दबी हुई थी, राख से दबी हुई थी, तुमने क्या किया, बोले बड़े मीठे मीठे तुमने क्या किया, अवलोकन किया,
तुम्हारे जो कृपा कटाक्ष है, इन आंखों से तुमने हमारी प्रणय रूप में तुमने हमारी तरफ देखा है, उससे ये क्या हुआ है, इस अग्नि में मानो ईंधन पड़ गया, फ्यूल पड़ गया, और जब फ्यूल पड़ने पर भी अग्नि जली नहीं, तो तुमने अपनी फूंकनी निकाली, ये वंशी ध्वनि निकाली, और ये वंशी निकाल कर उसमें फूंक मारी। अब इस अग्नि को क्या करो? बोले सिंचांग नस्पदूर के न, अरे यमुना में स्नान करने से ये अग्नि नहीं बुझेगी, केवल मात्र तुम ही इसे शांत कर सकते हो। जब इस प्रकार बड़े सुंदर रूप में ब्रज गोपियों ने प्रणय की भिक्षा मांगी, तो कृष्ण ने उसी समय पर ब्रज गोपियों को स्वीकार किया है। श्री चक्रवर्ती पाठ टीका में वर्णन करते हैं कि ये जो प्रणय गीत है, ये केवल मात्र साधन सिद्धा गोपियों ने गाया है। श्रीमती राधा रानी का यूथ उस समय पर उपस्थित नहीं था, वो श्रृंगार में व्यस्त था। प्रणय गीत के बाद में श्रीमती राधा रानी का यूथ वहां पर आता है, और कृष्ण ने उसी समय पर ब्रज गोपियों के साथ में नृत्य करना, रास करना आरंभ किया है। ब्रज के संत लोग बड़े सुंदर रूप में एक पद में वर्णन करते हैं, ओ बन नाचे नटनी को वाली नंद को किशोर, 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 यारे नौत करते हैं, उस तुलसी के मकरंद को पान करने के लिए अनेक अनेक भ्रमर
आ जाते हैं और कृष्ण के मुखकमल को भी बाधा देते हैं, लेकिन तब पर भी कृष्ण उस तुलसी माला को परित्याग नहीं करते, क्योंकि तुलसी कश्चित कल्याणी गोविंद चरण प्रिय, अत्यंत प्रिय है। इसीलिए क्या तुमने कृष्ण को देखा, क्या तुमने हमारे प्रियतम को देखा है? लेकिन तुलसी भी वहां पर मौन रही। ब्रज गोपियां उसी समय पर पृथ्वी की ओर देखने लगी, और जब पृथ्वी पर देखा है उसी समय पर उन्होंने श्री कृष्ण के चरण चिन्ह देखे। समस्त ब्रज गोपियां देखकर अत्यंत आनंदित हो गई। निश्चित रूप में हमारे प्रियतम इसी ओर गए हैं, लेकिन चरण अन्वेषण करते करते जब और थोड़ी आगे गई है उसी समय पर उन्हें कृष्ण के दोनों चरण के बीच में एक छोटी किशोरी का चरण चिन्ह भी दिखा। अभी वो चरण चिन्ह तो श्रीमती राधा रानी का था। वहां पर वर्णन करते हैं श्रीमती राधा रानी के पक्ष की जो गोपियां थी वो राधा रानी की चरण सेवा करती हैं, इसीलिए उनको दर्शन करके वो पहचान गई। और क्या कहती है, अनयाराधितनूनम भगवान हरेश्वर यज्ञो विहाय गोविंद प्रीतो याम अन्यत्र। कहते हैं और किसी दल, श्रीमती राधा रानी मानो ऐसे यहाँ वर्णन करते हैं कि दो दल के बीच में यदि युद्ध हो और एक दल यदि जीत जाए तो क्या करते हैं, बड़े शंखनाद करके अपनी जयगान को घोषणा करते हैं। ठीक उसी प्रकार ये श्लोक श्री सुखदेव गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये श्रीमती राधा रानी के पक्ष वाली है, राधा रानी के युद्ध में है। वर्णन करते हैं कि कृष्ण भले ही समस्त ब्रज गोपी के साथ में विहार क्यों न करे, लेकिन सबसे अत्यंत प्रिय उनके यदि कोई है तो कौन है, बोले श्रीमती राधा रानी। क्योंकि समस्त ब्रज गोपियों को परित्याग करके आखिर वो लेकर गए तो गए किसको, बोले हमारी किशोरी जी, हमारी श्रीमती राधा रानी को लेकर गए। बोले श्रीमती राधा रानी की। इस तरह से ब्रज गोपियां कृष्ण और का अन्वेषण करते करते और जब आगे गई है तो उन्होंने एक कुंज में श्रीमती राधा रानी को देखा। वहां पर कृष्ण श्रीमती राधा रानी दोनों ही थे, लेकिन कृष्ण वहां से और भी अंतर्ध्यान हो गए और श्रीमती राधा रानी की मूर्छित अवस्था को देखकर वहां पर ब्रज गोपियां सब यमुना तट पर आई। यमुना तट पर उपस्थित होकर उन्होंने ये गोपी गीत का गान किया है। हम भी एक दो श्लोक के माध्यम से ब्रज गोपियों ने जो गीत गाया है उसका गान करते हैं। जय लक्ष्मी साक्षात वैकुंठ को परित्याग करके यहाँ अली गली में नृत्य कर रही है,
इसीलिए तुम जो यहाँ से हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गए हो, हमें यह अत्यंत पीड़ादायी लगता है। हम जान गए कि नखरु गोपिका नंदनो भवा, अरे तू यशोदा नंदन हो ही नहीं सकता। बोले क्यों? बोले यशोदा तो हमसे बड़ी प्रीति करती है, वो तो हमसे बड़ा स्नेह करती है, और तू हमको इस तरह से परित्याग करके हमें इतना दुख कष्ट दे रहा है। नखरु गोपिका, तू वो यशोदा नंदन है नहीं, तू तो नंदन नंदन है। मानो ब्रज गोपियां कहती थी तू अपनी माँ के गुणों से गुणवान नहीं हुआ, अपने पिताजी के गुण तेरे अंदर में नहीं है। कहने लगी हम कब की ही मर जाती, लेकिन हमने अमृत पान कर रखा है। बोले कौन सा अमृत? बोले तव कथा अमृतम तप्त जीवनम, तेरी कथा रूपी अमृत को हमने पान करके हम अमर हो गए हैं। इसीलिए ये हरि कथा का जो दान करते हैं ये परम मंगलदायी है, परम कल्याणकारी है। इनका वर्णन करने वाले जो गुरु वर्ग है यही सबसे पूरी राजना, सबसे अत्यंत श्रेष्ठ और सबसे बड़े दाता होकर विराजमान है। बोले श्री रूपान पद्म की, समस्त रूपानु गुरु परंपरा की। ब्रज गोपी ने उस समय पर रुरुदु सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, बड़े सुंदर रूप में क्रंदन करते हुए और जब कृष्ण का आह्वान किया तो क्या हुआ है? तासाम आविर्भूत शौरी स्मयमान मुखांबुज पीतांबर धर श्रीपी साक्षात मन्मथ मन्मथ। कृष्ण तो कहीं गए नहीं थे, एक श्यामा सखी का रूप धारण करके वहीं पर ब्रज गोपियों के हृदय के उद्गार को श्रवण कर रहे थे, लेकिन जब ऐसे भाव श्रवण किए उसी समय पर लहंगा फरिया हटाकर और वहीं पर आविर्भूत हो गए। तासाम आविर्भूत शौरी और स्नेहमान मुखांबुज मन्मथ मन्मथ रूप धारण करके एक अपराधी की भांति हाथ जोड़ते हुए अपने पीतांबर को गले में लेकर और उपस्थित हो गए। कृष्ण को देखकर ब्रज गोपियों के हृदय के आनंद का ठिकाना नहीं रहा, और वहां पर जो अलग अलग युद्ध थे, वहां पर कोई चंद्रावली के युद्ध के जो थे, उन्होंने क्या किया, कोई गोपी जाकर कृष्ण के चरण चापन करने लगी, कोई गोपी जाकर वहां पर कृष्ण का हाथ अपने स्कंद पर रख लिया, कोई सी गोपी ने जाकर वहां पर कृष्ण के अर्धचर्पित तांबूल को मांगा है। श्री सुखदेव गोस्वामी ने तो भागवतम में किसी का नाम स्पष्ट नहीं किया, लेकिन श्री सनातन गोस्वामी पाद टीका में सबके नाम स्पष्ट कर देते हैं। बोले जिन्होंने कृष्ण से तांबूल मांगा, उनका हाथ अपने कंधे पर रखा, उनकी चरण सेवा कर रही है, ये सारे चंद्रावली के युद्ध हैं, ये सारे चंद्रावली के युद्ध हैं। और कुछ ब्रज गोपियां वहां पर दूर से खड़ी होकर और अत्यंत क्रोधित होकर देख रही थी, लेकिन एक गोपी एका अपूर्ति मां पात्य प्रेम संभ्रम विमला, एक गोपी अत्यंत क्रोधित होकर अपने नैनों के कटाक्ष रूपी बाणों से मानो कृष्ण के मन को छेदन कर देगी, ऐसे क्रोधित भरी निगाहों से देख रही थी। बोले तुम्हारे इतना दुस्साहस कि तुम हमें परित्याग करके और अदृश्य हो गए, ये कौन है? सनातन गोस्वामी वर्णन करते हैं कि ये श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी अत्यंत क्रोधित होकर और कृष्ण की ओर देख रही थी, और जो दूर से ताक रही थी वो भी श्रीमती राधा रानी का ही दल, विशाखा ललिता इत्यादि सखियां हैं। ब्रज गोपियां और कृष्ण के बीच में उस समय पर बड़ा सुंदर कथोपकथन संवाद हुआ है। ब्रज गोपियां कहती हैं कि कृष्ण तीन तरह के व्यक्ति होते हैं, यदि हम किसी से प्रीति करें तो विनिमय में वो भी प्रीति करते हैं, यदि हम किसी से प्रीति करें तो विनिमय में वो प्रीति नहीं करते, और यदि हम किसी से प्रीति करें वा ना करें तब पर भी वो विनिमय में प्रीति नहीं करते। बोले कृष्ण उत्तर देते हुए मानो कहते हैं कि यदि हम किसी से प्रीति करें, विनिमय में अगर वो प्रीति करता है तो वो होता है बनिया, वहां पर कोई सेवा भाव नहीं है। बनी के पास में 10 रुपए लेकर कुछ सामान लेने गए, 10 रुपया उसने ले लिया, सामान आपको दे दिया, कोई प्रीति नहीं वहां, कोई व्यवहार नहीं, कोई सेवा भाव नहीं। दूसरा कैटेगरी जिसमें प्रीति करने पर भी नहीं करते, बोले ऐसे कौन है? ऐसे हैं माता पिता। माता पिता क्योंकि आप देखना बच्चा चाहे कैसा भी क्यों ना हो, लेकिन माता पिता का सब समय माता पिता के हृदय में उसके प्रति सुहृद भाव रहता है, उसके प्रति उसकी सब समय उसकी चिंता रहती है, बेटे के लिए कितना कुछ करते हैं, है कि नहीं। लेकिन बड़ा होकर मानो नालायक हो जाए, या फिर शादी होने के बाद में माता पिता के साथ में ठीक से व्यवहार ना करें, तब पर भी माता पिता उनका बुरा नहीं चाहते। इसीलिए प्रीति करने पर भी जो ना करे, ऐसे में उनके लिए बतलाए हैं श्री माता पिता। लेकिन तीसरी कैटेगरी जो है, प्रीति करो वा ना करो तब पर भी नहीं करते, बोले ऐसे व्यक्ति चार तरह के हैं, आत्माराम आप्तकाम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ। ब्रज गोपियां कहती हैं कि तुम आत्माराम आप्तकाम तो छोड़ो, लेकिन लगता है तुम गुरुद्रोही और अकृतज्ञ हो, क्यों? बोले श्रीमती राधा रानी है तुम्हारे प्रेम की गुरु,
और तुमने उनको परित्याग कर दिया, तुमने उनको विरह में छोड़कर और वहां से चले गए थे, क्यों? तब कृष्ण कहने लगे कि देखो, प्रेम के दो पहलू होते हैं, मिलन और विरह। केवल मात्र तुम्हारे विरह को बढ़ाने के लिए ही मैं अदृश्य हो गया था और मैं कहीं गया नहीं था, मैं वहीं पर उपस्थित रहकर तुम्हारे समस्त भावों को मैं श्रवण कर रहा था। उसके बाद में कृष्ण ने वहां पर समस्त ब्रज गोपियों के साथ में महाराज किया है और महाराज करते करते भी साक्षात शंकर जी कैलाश को परित्याग करके और वहां पर गोपी रूप धारण करके आ गए। ब्रज गोपियां जब कृष्ण के साथ विहार कर रही थी, कृष्ण कहने लगे कि लगता है आज कोई अनधिकारी आ गया है, आज रास में ऐसा आनंद नहीं आ रहा। गोपियों ने खोजते खोजते देखा कि एक कोने में भोले बाबा बैठे हुए थे, प्रश्न करने लगे, बोले तू कहां से आई है री? भोले बाबा तो चुप, बोले तेरा नाम क्या है, तेरे कौन से गांव से आई है, तेरे खसम का नाम क्या है? गोपेश्वर शिव कुछ उत्तर नहीं दे रहे, शंकर जी कुछ उत्तर नहीं दे रहे। तब ब्रज गोपियों ने शंकर जी को कुलचे मार मार कर वहां से बाहर निकालने की चेष्टा करी। प्रभु ने उसी समय पर आकर और कहा कि भोले बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हैं? बोले आपके रास के दर्शन करने की इच्छा थी, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। कृष्ण ने उसी समय पर गोपेश्वर शिव को ईशान कोण में स्थान दिया और वरदान दिया कि आपकी कृपा से ही कोई ये रास के अंदर प्रवेश कर पाएगा। शेष में सुषुप्ति को स्वामी फलश्रुति कहते हैं कि यदि कोई श्रद्धा पूर्वक इस लीला को श्रवण करे, इस लीला को श्रवण करे और वर्णया किए, यदि वर्णन करे तो क्या होगा? पूरे हृदय में समस्त काम को समस्त दूरीभूत होकर और हृदय निर्मल हो जाएगा। भगवान की गोपेश्वर महादेव की गौर ब्रह्मानंद। प्रभु जी एक सुंदर भजन सुनाएंगे, कैसे ये मयूर कुटी का ये भजन है, बड़े सुंदर भजन है।
Oh,
अपने गुरुदेव महाराज की एक बात याद आती है। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्म संस्थापनाय युगे युगे, मैं युग युग में धर्म की स्थापना करने के लिए आता हूं। ये बात कब कही भगवान ने? द्वापर युग में महाभारत के एकदम कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थली पर, युद्ध के प्रारंभ में थे। परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दृष्टिताम। और फाइनल टच क्या है? फाइनल टच है धर्म संस्थापनाय संभवामी युगे युगे। तो गुरुदेव कहते हैं कि भगवान ने किस धर्म की स्थापना की, ये समझना है, किस धर्म की स्थापना की। अरे मैं तो तुम्हारी तारीफ कर रहा था, तुम गायब थे। कौन से धर्म की स्थापना की? जिस समय खेत एकदम बंजर होता है तो पहले तो उसमें से रोड़े और ईंट चीजें हटानी पड़ती हैं। तो ये भगवान कृष्ण के समय में करोड़ों रूप में असुर जो है क्षत्रिय बनकर आए थे, तो महाभारत का युद्ध करके उन ईंटों को, रोड़ों को, उस पृथ्वी को एकदम उनसे साफ कर ग्राउंड तैयार की। महाभारत का युद्ध क्या हुआ? ग्राउंड तैयार की भगवान, उस पे फसल करने के लिए, उपजाऊ बनाने के लिए ग्राउंड तैयार की। भगवान कृष्ण ने कहा, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सब धर्मों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सब पापों से मुक्त करूंगा। भगवत गीता का ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश। पर क्या ये धर्म की स्थापना है? गुरुदेव पूछते हैं, क्या ये धर्म की स्थापना है? नहीं। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु जी ने इस उपदेश को ही रिजेक्ट कर दिया और कहते नहीं, ये धर्म की स्थापना नहीं। तो ग्राउंड तो तैयार कर दी भगवान कृष्ण ने, कैसे? असुर रूपी क्षत्रियों को समाप्त करके साधु लोगों से देश को भर दिया, उन साधुओं का राजा बन गए परीक्षित महाराज। अब परीक्षित महाराज जी के जीवन के अंतिम समय पे उन्होंने ये श्रीमद् भागवत कथा कराकर, जब द्वापर युग चला गया, कलयुग का प्रवेश हुआ, उस समय श्रीमद् भागवत कथा कराकर भागवत धर्म की क्या किया? स्थापना। तो ये श्रीमद् भागवत जो है वो भागवत, वो धर्म जिसको भगवान स्थापित करना चाहते हैं, उस धर्म का प्रचार है जो तब से लेके अब तक चला आ रहा है, चला आ रहा है गुरु परंपरा की श्रेणी में। हमारे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी कहते हैं, मैंने उनकी बातों को कहीं कहीं जगह नोट किया हुआ है, वो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु जी ने ये गौड़िया मठ की जो बीज बोया है, जिसे श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जी ने उसको स्वरूप दिया, क्या नाम? गौड़िया मठ। इस गौड़िया मठ का उद्देश्य ही भागवत कथा है। ये जो गौड़िया मठ है उसका उद्देश्य क्या है? श्रीमद् भागवत कथा। प्रभुपाद जी बड़े उदास होके एक बार बोले, कौन से प्रभुपाद जी? इस कौन वाले नहीं, श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद। किसन 1904 में मैंने नीलांचल में चैतन्य चरितामृत की व्याख्या करने आरंभ की थी, बहुत लोग सुनने आते थे लेकिन कोई भी मेरी बातों को समझ ना सका, उसका सहार नहीं ले सका। फिर कारण बताते हैं क्यों नहीं ले सका। जिनकी वृत्ति खाने पीने में और
इंद्रिय तृप्ति में लगी रहती है वो लोग कभी भी इस वैष्णवता को स्वीकार नहीं कर सकते। श्री हरि कृष्ण विमुख लोगों से संग से हजारों योजन दूर रहते हैं। देखो प्रभुपाद जी की भाषा है वो मैं रामचंद्र ये स्टाइल से भी कहूंगा तो थोड़ी कठिन होगी। क्या कहते हैं श्री कृष्ण श्री हरि विमुख लोगों के संग से हजारों योजन दूर रहते हैं और जो भागवत श्रवण आकांक्षी व्यक्ति के साथ ही हमारा संबंध होए तो श्री कृष्ण जो विमुख लोग हैं उनसे हजारों योजन दूर रहते हैं हमें क्या करना है फिर हमें भी जो हरि विमुख लोग हैं उन लोगों से हजारों योजन दूर हमें भी रहना होगा। बात समझ आ रही है श्री कृष्ण हरि विमुख लोगों से कितना दूर रहते हैं हजारों योजन दूर रहते हैं और हमें भी जिन्हें भागवत कीर्तन चाहिए कृष्ण की कथा चाहिए ऐसे विमुख लोगों से हजारों योजन दूर रहना चाहिए। ये है साधन। श्री गुरुदेव बोलते साधन क्या है भगवान का प्रेम भगवान की भक्ति भगवान का भाव दुनिया में अपने प्रयासों से नहीं आ सकता। श्री गुरुदेव की वाणी है ये कैसे आता है ये रसिक वैष्णव के हृदय में जो भक्ति है वो भक्ति क्या है श्री राधा जी का और संवित शक्ति का मिश्रित रूप लादनी और संवित का सार वो भाव भगवान के भक्तों के हृदय से आता है इसे कहते हैं भक्तों की और भगवान की कृपा होती है तो भक्ति आती है भाव आता है। लेकिन हम जो साधन करते हैं हम जो करते हैं जोर लगा के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जोर लगा के ये क्या है ये क्लीनिंग है ये क्लीनिंग है अपने हृदय को क्या करना है साफ करना है। मेरा तो ये विश्वास है कि अगर कोई हरि गुरु वैष्णव ऐसा कृपा करने के लिए तैयार हो जाए तो क्लीनिंग की भी क्या जरूरत है वो खुद को खुद ही हो जाएगी और भाव आ जाएगा पर ऐसा कोई हमको कृपा का वैष्णव मिल जाए कृपा कर दे सिर पे हाथ रख दे और गोप कुमार की तरह थर 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 सब कुछ काम हो जाए। खैर हमें दूर रहना है। गुरुदेव का आज एक लेक्चर मैं सुन रहा था श्रीमद् भागवत की आदि आदि शब्द को अच्छी तरह से ग्रहण करो क्या शब्द आदि भगवान क्या है अनादि है तो भागवत शुरू होती है जन्म आदि यस्य यथा इतरत्र अर्थेषु अभिज्ञ सवराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कव्य दो जगह आदि आ गई जिससे जन्म होता है आम भाषा में कहा जाता है इस संसार का जन्म होता है वो भगवान कृष्ण की तेने ब्रह्म आदि कव्य क्या है उस परम सत्य का हम ध्यान करते हैं कौन से परम सत्य का जिससे जन्म होता है किसका जन्म होता है जन्म आदि होता है तो आम वैष्णव लोग आम लोग व्याख्या करने वाले आदि का मतलब कहते हैं जन्म होता है मेंटेनेंस होती है और बाद में वो क्या कहते हैं प्रलय नाश हो जाता है संसार का क्या हो जाता है नाश हो जाता है जन्म आदि ऐसे लेकिन गुरु महाराज जी हमारे आचार्यों की टीका से कहते हैं नहीं आदि का मतलब है आदि रस आदि का क्या मतलब है आदि रस जिससे जन्म लेता है ये आदि रस क्या है ये राधा और कृष्ण के बीच में प्रेम का जो रस है गोपियों का और कृष्ण के बीच में जो प्रेम का रस है
जो अपने पतियों को छोड़ के आती है, आज ये जो हमने क्या पढ़ा रास लीला का उदाहरण किया, वो है आदि रस। पति पत्नी में जो प्रेम होता है वो श्रृंगार रस भी आदि रस नहीं है। लेकिन अगर कोई गोपी अपने पति को छोड़कर, अपने घर वालों को छोड़कर, ये ग्रह श्रृंखला को त्याग करके, अपनी मान मर्यादा को त्याग करके, अपनी सतीत्व को त्याग करके, और फिर कृष्ण के पास आती है और कृष्ण को आनंद देने के लिए जो उनके बीच में प्रेम का रस है उसको क्या कहते हैं, आदि रस। वो जो आदि रस है उसके लिए श्री गुरुदेव बहुत सुंदर व्याख्या देते हैं। भागवत को समझना है, ये है भागवत धर्म। ये व्याख्या देते हैं, सुनना, बड़े प्यार से सुनना। ध्यान से सुनने से भी कुछ नहीं होगा, ध्यान तो बुद्धि का काम है ना, प्यार से सुनना। क्या सुनोगे? ये जो आदि रस है, श्री कृष्ण आत्मा राम है, श्री कृष्ण आप्त काम है, श्री कृष्ण को किसी से कुछ लेना देना नहीं है, उनके हृदय में सुप्त वासना है, उस सुप्त वासना को भी उद्दीप्त और सुदीप्त करके ज्वालामान कर देती है वो राधा रानी। अपने प्रेम से श्री कृष्ण को जो रस पिलाती है वो रस है, कौन सा रस? आदि रस। वो आदि रस है। और फिर कृष्ण की इतनी इच्छा पूरी करती है कि कृष्ण भी हर वो अल्हा जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं है, उनकी इस तमाम इच्छाओं को उनकी उम्मीद से ज्यादा पूरा कर देती है वो राधा रानी। का जो प्रेम है वही प्रेम सर्वस्व है। इसलिए हमारे परम गुरुदेव सुबह मंगल आरती में गाते हैं, मंगल श्री गुरु गोरंग मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति। अगर दुनिया में एकमात्र मंगल है तो वो राधा कृष्ण की युगल की प्रीति है। वो एक ऐसा छत्र है, उस छत्र के नीचे ही हम लोग बैठे हुए हैं, और यहाँ तक कि इस भौतिक जगत में एक इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में भी जो आकर्षण है वो भी उस ही प्रीति का एक अंश बन के यहाँ पे प्रस्तुत हो रहा है। हमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आकर्षण नहीं लेना, हमें कौन सा आकर्षण लेना है? जय 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 राधा कृष्ण युगल मेला आरती करें ललिता दी सखी, और मंगल श्री गुरु गोरा मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण युगल प्रीति। और इसी प्रीति की हमने आकांक्षा करनी, इसी को हमें जगाना, किसी को हमें पाना है, किसी को देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए। और चैतन्य महाप्रभु ने अपने शूर वीरों को, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, जीव गोस्वामी को उन्होंने ये कार्य दिया, और वही कार्य हमारी परंपरा में हमारे गुरु महाराज जी ने हमको दिया, और वही भागवत हम इस इंटरनेशनल गौड़िया वेदांत ट्रस्ट के श्री रमन बिहारी गौड़िया मठ में बैठ कर रहे हैं, ताकि उस रस के लिए हमें लोभ पैदा हो। जैसे ही लोभ पैदा हो जाएगा तो ये लोभ में ही भक्ति हो जाएगी, और ये भक्ति जो है वो वैदिक भक्ति से उठकर रागानुगा में चली जाएगी। कौन सी रागानुगा? कौन सी रागानुगा? जो गोपियों के प्रेम की, राधा जी को कृष्ण से मिलाने की इच्छा वाली रागानुगा भक्ति, राधा जी की सेविका बनने वाली रागानुगा भक्ति। इसको उन्होंने शब्द यूज किया है, ये कामानुगा भक्ति है, तत्त्व भाव इच्छा मई। राधा जी के भावों की उनकी इच्छा में अपने को इतना ज्यादा मिला देना, इतना ज्यादा तादात्म्य कर देना, वो सोचे बाद में हमारे हृदय में वो बात आए, ऐसी चाहत हम अपने अंदर लाने की कोशिश करें। लेकिन उसके लिए पहले अपने हृदय को अपने गुरु से ट्यून करना पड़ेगा। जब वो गुरु से ट्यून हो जाएगा फिर वो राधा रानी जी से भी ट्यून हो जाएगा। ट्यून का मतलब समझ लेना, एक तार हो जाएगा, एकदम तादात्म हो जाएगा। और ये एक श्रेणी है, ये एक सीरीज है, जो गुरु से शुरू होती है और राधा तक चली जाएगी, राधा रानी तक चली जाएगी, और फिर हम वास्तव में गा सकेंगे मोर बन आयो कर
यार मोर मन आयो रस दिया। अभी तक तो हम मुंह से गा रहे हैं, फिर हम हृदय से गाते हैं गौर प्रेमानंदे हरे कृष्ण। हाँ देखो, जब गुरुदेव विदेश में प्रचार कर रहे थे, बहुत भक्त लोग गुरु जी के पास में आते थे, बहुत सारे सोसाइटी से बहुत सारे लोग आए। तो किसने गुरुदेव को बोले, गुरुदेव आपके इतने सारे भक्त आपको पास में आए, बाद में इनको फिर कौन रखा करेगा। गुरुदेव खुद कहते हैं, बोले एक नारायण के जाना है और पीछे ये अनंत नारायण को मैं छोड़ कर भी जा रहा हूँ। इतने सुंदर भावात्मक और शास्त्र का जो सिद्धांत और भागवत का जो सार बताए ना, ये चीज तो हर जगह में सुनने को हमें नहीं मिलती। सचमुच से गुरुदेव इन लोगों की कथा सुनने से लगता है सचमुच से गुरुदेव ने एक नारायण नहीं बहुत सारे नारायण को गुरुदेव ने छोड़ कर गए। तो माधव प्रिय प्रभु, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं कि श्री माधव प्रिय प्रभु अस्वस्थ रहते हुए भी लेकिन हम लोगों को दर्शन देने के लिए और हमें आशीर्वाद और हरि कथा सुनाने के लिए प्रभु जो यहाँ पर इतने कष्ट रहते हुए भी जब यहाँ आए हैं, आप इनके लिए जोरदार ताली बजाओ। बड़ी व्यस्तता में ही हम लोग को समय दिया। ओम अध्यात्मिकस्य ज्ञानंजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाचा कल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्णचैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्रीवासादी गौरभक्तवृन्दे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्य गुरुपाद पद्म के श्री चरण कमलों में दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात यहाँ पर उपस्थित समस्त मेरे ज्येष्ठ गुरु भ्रातागण और सभी वैष्णवों के चरण कमलों में भी यथा योग्य दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हमारे यहाँ पर मूल वक्ता यद्यपि श्रीपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी हैं, किंतु क्योंकि हम लोग बहुत सारे यहाँ पर उपस्थित हैं और मुझे अवश्य ये अनुमान होता है कि महाराज जी के लिए कथा का समय बहुत कम रहता होगा, इसीलिए इसीलिए मैं मंगलाचरण में समस्त गुरुवर्गों का और वैष्णवों का नाम इत्यादि उल्लेख नहीं करके संक्षेप में थोड़ा सा कुछ दो चार जो मन में अभी भावना बातें आती हैं उसी को व्यक्त करूँगा। हमारे श्री पद रामचंद्र प्रभु जी ने कथा को जिस स्थान पर छोड़ा उसी कथा को ही थोड़ा सा वही सूत्र लेकर के ही आगे थोड़ा सा मैं चर्चा करूँगा। उन्होंने बताया कि हम लोग यहाँ पर भागवत को श्रवण करने के लिए बैठे हैं और यहाँ पर भागवत का ही आयोजन किया गया है, जिससे सभी भक्त लोग जो भागवत नामक जो वस्तु है उसके साथ में भली प्रकार से अपना संबंध स्थापित कर पाए, अंततः संबंध स्थापित होना प्रारंभ हो भागवत के साथ में। इसीलिए यहाँ पर भागवत का आयोजन किया जा रहा है। और फिर उन्होंने बतलाया कि कैसे सबसे पहले ये जो भागवत से संबंध भागवत
वास्तविक रूप में किस वस्तु को बोलती है। हमारे गुरुदेव इसके विषय में एक समय बड़े सरल रूप में व्यक्त कर रहे थे कि श्रीमद् भागवतम विषय जातीय ग्रंथ नहीं है, अर्थात ये कृष्ण की महिमा को स्थापित करने वाला ग्रंथ नहीं है, ये राधा जी की महिमा को स्थापित करने वाला ग्रंथ है। कि राधा जी की कैसी महिमा, कृष्ण का बहुत कुछ ही बतलाया उसमें, किंतु वही कृष्ण ही जो श्रीमती राधिका के प्रेम के पूर्ण रूप में वशीभूत हो जाते हैं, इसी वस्तु को वहाँ पर दिखलाया गया कि पहले बतलाया कृष्ण स्वयं भगवान है, फिर एते चाम शिकला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं इत्यादि के द्वारा और उनके जन्म लीला के द्वारा उनकी लीलाओं के माध्यम से सब बताते बताते फिर क्या बताया कि वो ब्रज में ब्रजवासियों के वशीभूत हैं और उन सब ब्रजवासियों में से भी श्रीमती राधिका की सबसे अधिक वशीभूत हैं। उस प्रकार का प्रेम जो कृष्ण को वशीभूत कर पाता है उसके विषय में ही श्रीमद् भागवत का ये प्रतिपाद्य विषय अर्थात श्रीमद् भागवत इसी वस्तु को एस्टेब्लिश करना चाहता है, किंतु होगा कैसे। फिर हमारे श्री रामचंद्र प्रभु जी ने सूत्र दिया कि उसका प्रारंभ होता है गुरुदेव से, गुरु परंपरा से, वैष्णव के माध्यम से। इसीलिए गुरुदेव कहते थे कि यदि कृष्ण की वंशी का आपने श्रवण किया कि कृष्ण की वंशी की ध्वनि अत्यधिक मधुर होती है, वो चल अचल पशु पक्षी कीट पतंग मयूर कोकिल इत्यादि भ्रमर को हिरणों को गैयाओं को बछड़ों को गोपियों को सभी प्राणियों को यहाँ तक कि वैकुंठ में लक्ष्मी इत्यादि को भी मोहित कर देती है, वही वंशी की ध्वनि जो इतना मधुर है उसको यदि श्रवण करने की किसी की अभिलाषा, उस वंशी की ध्वनि से भी मधुर और एक ध्वनि है, वो क्या है, श्रीमती राधिका की वीणा की ध्वनि। जब कृष्ण अपनी वंशी की तान छेड़ते हैं और दूसरी ओर यदि श्रीमती राधिका अपनी वीणा की तान छेड़ती हैं तो कृष्ण की वंशी की ध्वनि जो है उसके सामने वो भी बहुत फीकी पड़ जाती है। तो यदि किसी के हृदय में कृष्ण की वंशी की ध्वनि सुनने की इच्छा हो, किसी के हृदय में राधा जी की वीणा ध्वनि सुनने की इच्छा हो, किसी का इच्छा हो कृष्ण का रूप श्रवण करके उनके दर्शन करने का, उनके गुणों को श्रवण करके उनसे मिलने का, किसी श्रीमती राधिका के साथ में किसी न किसी प्रकार से संपर्क युक्त होने का यदि किसी का कामना हो, तो प्रारंभ कहाँ से होता है सभी वस्तुओं का। गुरुदेव कहते थे भगवान गुरु से और वैष्णवों से। इसलिए गुरु के अपने कान को पहले स्वच्छ कराना पड़ेगा, मुरली की ध्वनि या वीणा की ध्वनि सुन लिया तो कैसे स्वच्छ कर सकते हैं, उसके लिए बोलते थे गुरु की वाणी को ठीक ठीक रूप में श्रवण करके, गुरु मुखा पद्मा वाक्य चित्ते ते करीला एक क्या, उसके द्वारा क्या होगा तुम्हारे कान का ऐसा वाला एक उसमें परिष्कार होगा, वो साफ होगा, जिससे राधा जी की कृष्ण की जो ध्वनियाँ हैं जो वो परस्पर में वार्तालाप भी करते हैं, जो ब्रजवासी लोग जो वार्तालाप करते हैं वो सब कुछ तभी श्रवण करने की योग्यता आएगी। इन नेत्रों के द्वारा जब इस जगत में साधारण व्यक्ति के भी हृदय की बात को उसके व्यक्तित्व को नहीं समझा जा सकता, तब फिर इन जड़ नेत्रों के द्वारा गुरु वैष्णव का क्या दर्शन करेंगे। इसलिए उनका दर्शन करने के लिए भी क्या करना पड़ता है, योग्यता अर्जित करनी पड़ती है। इसलिए यदि कृष्ण का दर्शन करने की इच्छा तब क्या करना पड़ेगा, गुरु वैष्णव का दर्शन हम लोगों को सीखना पड़ेगा कि कैसे दर्शन करते हैं।
ये इस प्रकार से सारा का सारा प्रारंभ कहाँ से होता है? गुरु और वैष्णवों से। यहीं पर हमारे रामचंद्र प्रभु जी ने हम लोगों को ला करके खड़ा किया था। इसीलिए भागवत जो है उसको एक तो कहते हैं ग्रंथ भागवत और दूसरा कहते हैं भक्त भागवत। ग्रंथ भागवत को समझना हम लोगों के लिए प्रारंभिक अवस्था में बहुत लंबे समय तक भी लगभग कठिन होता है कि बहुत सारे प्रसंग हैं, बहुत सारी शिक्षाएं हैं, मुझे क्या करना है, क्या पालन करना, इतने सहज रूप में समझ नहीं आता। किंतु जो भक्त भागवत है उनका संग होने से, भक्त भागवत का अर्थ क्या होता है, जिसका जीवन भागवत की शिक्षाएं, भागवत का आदर्श, भागवत के उपदेश है, उसको कहते हैं भक्त भागवत। जो भागवत को अपना जीवन मानता है, अपने प्राण मानता है, उसको कहते हैं भक्त भागवत। वो भागवत की शिक्षाओं के अनुरूप ही जो गुरुवर्ग, जो समस्त लोग उस उन विचारों को ग्रहण करते हैं, उनके साथ ही ये पूर्ण रूप में संपर्क युक्त होता है। भागवत उसके लिए जीविका का उपाय नहीं होता। बहुत सारे लोग भागवत करते हैं किंतु उद्देश्य होता है धन अर्जन करना अथवा लौकिक लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा इत्यादि प्राप्त करना, किंतु जो भागवत के वास्तविक जो उसके सेवक हैं, उसका अनुशीलन करने वाले हैं, उसका पालन करने वाले हैं, जो भक्त भागवत हैं, वो इस भागवत को अपना जीवन नहीं बनाते, बल्कि जीविका नहीं बनाते, बल्कि भागवत उनके लिए क्या होता है, जीवन होता है, भागवत उनका जीवन है। तो ऐसे लोगों को बोलते हैं भक्त भागवत, इनको कहते हैं भक्त भागवत। तो हमारे जो गुरुपाद पद्म वो भक्त भागवत, इसीलिए उनको ही हम लोग क्या कहते थे, हम लोग क्या कहते हैं, जो वास्तविक रूप में उनके तत्व को उनको समझ पाता है, वो उनको हृदय के साथ में, अंदर की गहराइयों के साथ में, वो उनको कहता है कि ये महाभागवत है। महाभागवत अर्थात भागवत की वस्तुओं को संपूर्ण रूप में धारण करके, पालन करके, उस आदर्श को जगत वासियों को सिखलाते हैं, उनको भी उसमें प्रतिष्ठित करते हैं, उनको कहते हैं भक्त भागवत। तो इसी प्रकार से हमारे जो गुरुपाद पद्म जो कि वास्तविक रूप में भागवत के समस्त सिद्धांतों को ही लेकर के, भागवत है टॉप मोस्ट अथॉरिटी, जो वैदिक सारे हमारे ग्रंथ, उन समस्त ग्रंथों का इसको बताया टॉप मोस्ट अथॉरिटी, परिपक्व फल, शुक मुखार अमृत द्रव संयुक्तम इत्यादि कह करके कि ये टॉप मोस्ट अथॉरिटी है, और इसको जो अपने जीवन में पालन करता है उसको कहते हैं महाभागवत। तो ऐसे जो महाभागवत गण, जो भक्त भागवत हैं, उनमें उनका जो जिन्होंने शरण लिया है, यहाँ पर वही कथा करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हैं, ये ऐसे वाले भक्त लोग हैं जिन्होंने भागवत को जीवन बनाया है। हमारे गुरुदेव ने, जहाँ तक मुझे स्मरण आता, मैंने एक बार हमारे रामचंद्र प्रभु जी से पूछा भी था, गुरुदेव ने 94 में शायद हरिनगर में भागवत की कथा की थी, यहाँ से पास में है शायद हरिनगर, वहाँ पर कथा की थी, और मैं पहली बार ही वहाँ पर गुरुदेव से मिला था। 7 दिन गुरुदेव वहीं पर रहे थे, और भागवत की कथा के तो उस समय करते थे श्रीपाद तीर्थ महाराज जी और श्रीपाद श्रीधर महाराज जी, ये दोनों लोग भागवत करते थे। उस समय दोनों ब्रह्मचारी थे, ये दोनों करते थे भागवत, और गुरुदेव बीच में आधा घंटा पौना घंटा आते थे, और वो उसके जो ये लोग प्रसंग बोल रहे होते थे उसका कुछ विशेष उपदेश, शिक्षा इत्यादि गुरुदेव श्रवण कराते थे। तो हम लोग, मैं तो उस समय अपने घर पर ही रहता था, और संपर्क भी वैष्णवों से अभी
रत्ती भर ही हुआ था शायद, और सब प्रकार के कार्य जैसे एक साधारण बालक अपने घरों में करते हैं उसी प्रकार से सब कुछ करते थे। उसी समय से इन लोगों को भागवत की कथा कहते हुए सुना, और अभी वो कह रहे हैं कि हम लोग जो है कथा करेंगे, और हमारे लिए जो कि हम उनसे बहुत छोटे हैं, हम लोगों को इस प्रकार से जो एक उत्साह देने के लिए सम्मान देते हैं, ये उसमें उनका ही बड़प्पन है हमारे श्रीधर महाराज जी का और हमारे श्रीपद रामचंद्र प्रभु, इन इनके माध्यम से ही हम लोग गुरुदेव से, सिर्फ मैं नहीं, हमारे मेरे को लगता है दिल्ली के प्राय सब भक्त लोग, और अभी भी जो आगे सूत्र जितने भी बनते हैं, जितने जितने लोग गुरुदेव के साथ में जुड़ते हैं, वैष्णव के साथ में जुड़ते हैं, उसका जो मूल क्या कहेंगे, उसका जो क्रेडिट जो जाता है उसका श्रीपद रामचंद्र प्रभु जी को जाता है। इसीलिए हम लोग जब शुरू में जब आना प्रारंभ किया, हमारे रामचंद्र प्रभु जी भी उस समय हम लोगों को कथाएं सुनाते थे, और अभी वो बोल रहे हैं ऐसे वैष्णवों के दर्शन बहुत कम होते हैं। मैं इनको कह रहा था कि हमारे दर्शन ही नहीं है, पूर्ण दर्शन है, क्योंकि हम तो बहुत अनर्थग्रस्त हैं, और आप लोग के दर्शन करने के लिए हमारा रुचि भी नहीं होता है, ये हमारा दुर्भाग्य है, आज कोई सौभाग्य होगा, इसीलिए फिर भी जिस किसी प्रकार से यहाँ पर आ गए। इसीलिए रामचंद्र प्रभु जी हमारे श्रीपद श्रीधर महाराज जी वहीं पर ही, मैं 7 दिन पहली बार रुका था हरिनगर में कथा सुनने के लिए, तो घर से सोच करके आया नहीं था कि मेरे को 7 दिन रहना है, किंतु देखा बहुत सारे ब्रह्मचारी हैं, गर्मी के दिन हैं, छत पे सारे सो जाते हैं, तो मैं भी सो जाऊंगा, ये भी उस समय चिंता होता नहीं था कि गमछा भी है या कपड़े भी हैं साथ में या ब्रश भी है या नहीं, कुछ भी नहीं था साथ में, फिर भी रह लिया। और पहले ही दिन में, अभी शायद अगला ही दिन था, महाराज जी ने कहीं से इनको धोती मिली थी, तो ब्रह्मचारी तो हाउस प्रोग्राम करने भी जाते थे, तो महाराज जी को धोती मिली, तो मेरे को देखने के साथ ही साथ में श्रीधर महाराज जी ने सबसे पहले धोती दे दी कि ले लो ये धोती तुम पहनो, यही हो गए तो अभी कुछ दिन, मैंने कहा हाँ जी महाराज, तो अच्छा ठीक है ये धोती पहनो, तो उन लोगों ने हम लोगों को धोती दिया, किसी और ब्रह्मचारी ने बांधना सिखाया, इन्हीं लोगों से हम लोगों ने कथाएं सुनी, तो अभी हम लोग मैं तो इन लोगों से बहुत छोटा हूँ, इसीलिए भागवत में तो मेरे को नहीं पता आने का क्या लाभ है मेरा, किंतु इन लोगों के साथ में आकर के इस प्रकार का कुछ स्मरण होने से अगर मेरे हृदय में सचमुच में इनके प्रति कृतज्ञता जैसी वस्तुएं सब समय के लिए रह जाए, मेरे को लगता है मेरा उसी में ही लाभ होगा, मंगल। श्रीपाद वन महाराज जी यहाँ पर बैठे हैं, उनको भी हम लोग मथुरा में जाते थे वृंदावन से, श्री हमारे जो अभी मेरा गुरु भाई सिद्धांति महाराज हो, सिद्धांति महाराज और मैं कुछ एक और लोगों के साथ में हम लोग जाते थे वृंदावन से मथुरा में कथा सुनने के लिए। श्रीपाद वन महाराज जी को सब समय देखा, सुबह कथा करनी, दोपहर में कथा करनी, शाम को कथा करनी, फिर भिक्षा में चले जाना, फिर अभी भी वही करते हैं, सब समय देखते हैं, वही सब निरंतर करते जा रहे हैं सालों भर साल, अब 30-32 साल तो मेरे को देखते हुए हो गए, तो देखते देखते अब ऐसा होता है कि क्या सचमुच में इन लोगों के जैसा मैं क्या एक महीना भी कभी कर पाऊंगा, व्रत लेकर के भी मैं 2 दिन कोई सोचता हूँ ये काम ना, मैं अभी 2 दिन कम से कम 4 दिन निरंतर करूँगा, नियम पूर्वक करूँगा, क्योंकि 1 दिन भी नियम पूर्वक नहीं कर पाता हूँ, पहले दिन ही भूल जाता है सारा कुछ, और ये लोग 32-32 साल से जो मैं देखता हूँ उससे पहले तो कितने साल हो गए, उससे तो पहले कितने साल बीत गए, तो इस प्रकार से ये लोग सेवाएं करते हैं, और गुरुदेव इनको बोलते थे कितना कितना साइकिलों पे जाना, बहुत सारा इतिहास है इन लोगों का, यही वास्तविक रूप में हम लोगों के लिए भागवत सुनना है, अगर हम इनके थोड़ा सा आंखें खोल करके और कान को थोड़ा सा ध्यान दे करके बिना किसी छल कपट के और कोई और बात देखे बिना निरपेक्ष रूप से यदि केवल इनको ही देखना प्रारंभ करें,
तब क्या होगा, भागवत की बहुत सारी चीजें अपनी आप ही हम लोगों को समझ आनी प्रारंभ हो जाएंगी। इस प्रकार का विश्वास होता है हृदय में। और महाराज जी जो है गुरुदेव के कहने पर देश विदेश में प्रचार करने के लिए जाना, और श्रीधर महाराज जी का भी अभी हम लोग ऊपर भी बात कर रहे थे विजय प्रभु जी के साथ में, संजय प्रभु के साथ में, कि किस प्रकार से ये लोग एक दिन यहाँ पर कार्यक्रम संपूर्ण हुआ, अगले दिन फिर कहीं और जाएंगे। यहाँ पर अभी भागवत कर रहे हैं, रात में कभी हाउस प्रोग्राम में चले जाएंगे, दोपहर में कहीं चले जाएंगे, दिन में फिर कहीं चले जाएंगे, एक स्थान से दूसरे स्थान ट्रैवलिंग भी अगले दिन करके फिर से भागवत शुरू भी हो जाएगी। हमारे रामचंद्र प्रभु जी कह रहे हैं भगवान की लीला को कहते हैं नित्य लीला, कभी भी समाप्त तो होती नहीं, एक ब्रह्मांड से दूसरे ब्रह्मांड चलती ही रहती है। इसी प्रकार से इन लोगों का जीवन है, ये लोग बिल्कुल अपने शरीर को और अपनी किसी वस्तु को प्राथमिकता नहीं दे करके केवल मात्र गुरु वैष्णव की वाणी सब समय कीर्तन करने के लिए ही उसमें अपना सारा समय देते हैं। और हम लोगों के लिए बहुत बार ऐसा लगता है कि हम लोग कभी अपने लिए कोई प्रयास नहीं करते, अगर करते हैं तो इतना कम है, इतना कम है कि ये लोग हमारे मंगल के लिए जितना प्रयास करते हैं उसके सामने हमारे वाला प्रयास 0.1% है और इन लोगों का 100% से भी ऊपर है। इसीलिए हम लोग यदि इन लोगों को वास्तविक रूप में इनके हृदय के साथ में, अपने हृदय के साथ में इन लोगों का हम केवल मात्र एक अगर एप्रिशिएशन भी कर पाए, सेवा करना तो मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं, मेरे अपनी दुर्बुद्धियों के कारण, अपनी शारीरिक अवस्थाओं के कारण, जैसा भी हो, किंतु अगर हम लोग केवल मात्र एप्रिशिएट भी कर पाए, जैसे बोलते हैं भागवत आप करा नहीं पा रहे, भागवत आप कर नहीं पा रहे, भागवत आप सुन नहीं पा रहे, आप कोई योगदान नहीं दे पा रहे भागवत में, किंतु यदि आप केवल अनुमोदन भी करते हैं, अनुमोदन करना क्या होता है कि आप बहुत कहीं दूर रहते हैं, आपने सुना वहाँ पर भागवत हो रही है और आपने मन में क्या सोचा कि अच्छा ही काम हो रहा है, इसको कहते हैं अनुमोदन करना। केवल सरल सा अनुमोदन करने में भी कहते हैं बहुत अधिक मंगल होता है। इसी प्रकार से ये जो वैष्णव गण है जिन्होंने अपना जीवन गुरु पाद पद्म के लिए दिया है, भागवत को ले भागवत के विचारों को लेकर के जो अपने जीवन में चलते हैं, ऐसे वाले जो सारे वैष्णव गण हैं, यही हमारे लिए एक एप्रिशिएशन वाला ही एक व्यक्तित्व बन जाए, उसी से ही हमारा मंगल हो। हमारे श्री पर्षिंदर महाराज बिल्कुल विश्राम नहीं करते, स्वास्थ्य खराब होने पर भी नहीं करते, खाने पीने की भी रिस्ट्रिक्शंस को अधिक नहीं मान पाते, क्यों, क्योंकि उसके लिए दिमाग देना पड़ता है, समय देना पड़ता है, सोचना पड़ता है, उतना तक भी नहीं कर पाते, इसीलिए अलग अलग चैलेंजेस आते हैं, किंतु तब भी ये लोग उसको माइंड नहीं करते। इनका जो अभिष्टता है वो ही किसी दूसरी जगह पर है, हम लोगों की तरह की अभिष्टता नहीं है जगत की वस्तुओं के प्रति। कथा सुननी है, थोड़ी देर हमने सुन ली, और क्या करना है, कथा कीर्तन करना है, थोड़ी देर कर लिया, और क्या करना होता है, सब समय के लिए करना है, और कोई जीवन नहीं है हम लोगों के लिए, और बहुत कुछ करने के लिए है, किंतु इन लोगों के लिए और कुछ भी नहीं है करने के लिए। क्यों, करने के लिए इनके पास भी बहुत जगत के अनुसार बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, हजारों चीजें करने के लिए, किंतु तब भी इन्होंने इस वस्तु के गुरुत्व को, इस वस्तु की महिमा को इतना भली प्रकार से धारण कर लिया है कि इस लाभ को वो रत्ती भर भी नहीं छोड़ते और इस लाभ की कामना नहीं करते। क्यों, क्योंकि बाकी सारे लाभ इस लाभ के सामने सारे छोटे। इनका अभी हमारे विजय प्रभु जी का नाम क्या हुआ, श्री पद्मनाभ महाराज जी, पद्मनाभ महाराज जी यद्यपि मेरे से थोड़ा सा समय बाद में, बिल्कुल कम, बहुत कम, थोड़ा सा समय अंतर है, हम थोड़ा सा पहले आ गए मठ में, वो थोड़ा सा बाद में आए, हमारे संजय प्रभु हो सकता है वो भी थोड़ा सा उसके बाद में आए, किंतु इन लोगों की जिस प्रकार की गुरुदेव के विचारों के प्रति निष्ठा है, गुरुदेव की सेवा करने की जिस प्रकार की रुचि है, उस प्रकार की भी अपनी नहीं देख करके इन लोगों के चरणों में भी मेरा सब समय नमन होता है कि अगर हम इनका भी, बड़े लोगों का तो अनुगत्य कर नहीं पाते कई कारणों से,
किंतु ये थोड़े से बराबर के लगते हैं, इनका भी अनुगत्य कर पाऊं, क्योंकि वो थोड़ा सहज होता है करना, मित्र भाव से किसी का मान लेना बात को, तो वो भी कर पाए तो भी हमारा उसमें मंगल होगा। तो ये सारे भक्त लोग हैं यहाँ पर उपस्थित, इसलिए इनका ही मैंने थोड़ा सा भागवत जी को, मेरे हृदय में कुछ भागवत की बातें आ जाए, इसलिए इन भक्तों का ही मैंने कुछ आप लोगों के सामने वर्णन किया। आज इस कथा का जो आयोजन है वो हमारे श्रीपाद नवीन प्रभु जी, और मेरे को नहीं पता कि कितने वर्षों से मैं उनको जानता हूँ, लेकिन इतना पता है कि वो गुरु भाई हैं। भाई शब्द जहाँ पर आता है, यद्यपि साधारण रूप में जगत में जो भावना आती है वो आती है शरीर के संबंध से, इसलिए नाम क्या लगता है, गुरु भाई कहना पड़ता, जिनके साथ में मंत्र दीक्षा इत्यादि, जिन्होंने हमारे एक ही गुरु पाठ पद्म से हमने ग्रहण किया सारा कुछ, उनको कहते हैं गुरु भाई। तो वो हमारे गुरु भ्राता हैं, और उन्होंने इस कथा इत्यादि का आयोजन कराया, इसलिए उनका भी अगर थोड़ा सा कुछ नहीं बताऊं तो मेरे मन में कुछ असुविधा होगी अपने आप। तो वो हमारे हमारे जो नवीन प्रभु जी, उनको मैंने तो कभी पहले ऐसे काम करते हुए नहीं देखा, किंतु वो बताते हैं कि जब से मेरे से मिले, जब से मैं उनको जानता हूँ, उससे पहले वो बहुत अच्छा एक काम करते थे, क्या कहते हैं उसको, जिसमें सबको जॉब पे लगाते हैं लोगों को, लोगों को बाहर भेजना, लोगों को अच्छी अच्छी जॉब्स दिलाना, और जो भी उनका उस प्रकार का ऑफिस का अपना काम था, तो प्लेसमेंट, यस प्लेसमेंट प्लेसमेंट, तो उस तरह से प्लेसमेंट वाला वो सारा कराते थे, बहुत अच्छा उनका काम था। किंतु उन्होंने यहाँ पर जब आना प्रारंभ किया, गुरुदेव से थोड़ा सा संपर्क हुआ, तो उनका प्लेसमेंट हो गया यहाँ पर, और उन्होंने क्या इच्छा किया कि मेरे को, अब जब मैं यहाँ पर सुन रहा हूँ कि हरि कथा ध्यान से सुननी चाहिए, ग्रंथ पढ़ना चाहिए, हरि नाम करना चाहिए, साधु संग करना चाहिए, धाम में जाना चाहिए, तो जब ये सारा कुछ सुना तो फिर उन्होंने कहा ये मेरे लिए संभव कैसे होगा, मैं काम भी करता रहूँगा, इतना सारा समय काम में जाता है, और फिर दूसरी तरफ से ये भी सारा कुछ करता रहूँगा, कैसे मेरे लिए संभव होगा। तो इसीलिए मेरे को या तो ये वाला काम करना या वो वाला काम करना, डिसीजन लिया कि नहीं, मेरे को क्या करना है, मेरे को हरि कथा को गुरुत्व देना है, मेरे को हरि नाम को गुरुत्व देना है, इसलिए उन्होंने वो वाला काम छोड़ दिया। फिर उनके माता पिता उनकी बाल्य अवस्था से नहीं थे, तो इसीलिए उनका भाई इत्यादि जो है उनको बार बार बोलते थे कि अच्छी बात है, तुम युवा हो, कुछ काम करना चाहिए, सिर्फ ऐसे ही हरि नाम करने से और सारी चीज़ें करने से काम चलता है, ये तो अच्छी बात नहीं। तो फिर कुछ समय के बाद में उन्होंने फिर से एक रेस्टोरेंट शुरू किया, वो काम भी उनका बहुत अच्छा चला, बाहरी रूप में पैसा कमाई करने के उद्देश्य से अगर कोई करे तो वो काम कभी नहीं छोड़ेगा, मगर फिर उन्होंने थोड़े समय के बाद फिर देखा कि नहीं, मेरा मन तो बहुत जो है मंदिर की तरफ भागता है, बार बार हरि कथा की तरफ भागता है, मेरी ब्रजमंडल परिक्रमा छोड़ती है, नवद्वीप में मैं नहीं जाऊँगा, परिक्रमा में गुरुदेव जाते हैं, सबको बुलाते हैं, तो इससे फिर उन्होंने वो काम भी छोड़ दिया। हम लोगों में से उनके घर से वैष्णवों के लिए सेवा होना और उनके हृदय की भावनाएं, और जो उसको थोड़ा सा भी, जैसे अभी हम सभी वैष्णवों के विषय में बात कर रहे थे कि निष्कपट रूप से यदि हम देखें थोड़ा सा अप्रिशिएट करना, मैं संजय प्रभु जी को कह रहा था कि दोष किसमें नहीं है, हमारे में बहुत प्रकार के दोष हैं, किंतु जो गुण होते हैं वो अगर हम देखना शुरू करें तो दूसरे व्यक्ति के दोष अपने आप से वो बहुत कम होते जाते हैं। घर में दोष नहीं होते, मेरा भाई था मेरी उससे नहीं बनती थी,
मेरी माता जी थी, मेरे को उनमें बड़े सारे दोष दिखाई देते थे। मेरा अपना पिताजी का मेरे को होता था, ये वाला काम ऐसे क्यों करते हैं, वो ऐसे क्यों नहीं करते, तो कहाँ नहीं दिखाई देती वो सारी चीज़ें, सब जगह तो दिखाई देती हैं। किंतु हम लोगों को अगर हम वैष्णव में थोड़ा सा एक अलग प्रकार से देखना शुरू करें उनके गुणों वाली चीज़ों को, तो फिर एक अलग प्रकार का होता जाता है। तो जैसा भी हो, अब किसी को भी अच्छा लगता है कि उनका भाई बिल्कुल भी काम ना करे और सारा दिन भजन करता रहे, हम तो कर सकते हैं ऐसा? पहली बात हम स्वयं कर ही नहीं सकते, दूसरा तो कोई क्या कहेगा। अब उनका भाई भी जो है वो भी उसको अप्रिशिएट करता है उल्टा बहुत ज्यादा, वो स्वयं भी सब समय अब क्या करते हैं, हमारे सारे भक्तों को वो सेवा करते हैं और उनके घर में जितने भी सारे सदस्य हैं उनको जो कोई भी मिलता है, उनके जो अपने समस्त रिश्तेदार हैं सबको वो एक एक करके सबको किससे जोड़ते हैं, भगवान के साथ में, मठ के साथ में, गुरु वैष्णव के साथ में। तो इसीलिए हम लोग उनकी इच्छा थी एक समय में, तो हमारे रामचंद्र प्रभु जी दिन कथा में उठा रहे थे प्रसंग, हमारे नवीन प्रभु जी ने जब विवाह किया तो उस विवाह के बाद में कुछ दिनों बाद उन्होंने सभी भक्तों को बुला करके कीर्तन का अरेंजमेंट किया था इस स्थान पर। श्रीधर माला जी ने वहीं पर थे, रामचंद्र प्रभु जी भी थे, मैं भी वहाँ पर था, संजय भी आया था। तो वहाँ पर उन्होंने, रामचंद्र प्रभु जी ने बोला कि ये तो माधव प्रिया के साथ घूमता था बहुत ज़्यादा, तो मेरे को था कि ब्रह्मचारी बनेगा, इसने तो विवाह कर लिया अभी, इस प्रकार से रामचंद्र प्रभु जी ने बोला था। तो कह रहे हैं कि मैं उस समय, तो उस दिन मेरे पास में समय नहीं हुआ बोलने का या फिर मेरे दिमाग में नहीं आया होगा, किंतु आज मेरे मन में आती है वह बात बोलने के लिए कि वो शुरू दिन से इस प्रकार के एक स्पष्ट हृदय वाले कि उन्होंने कभी भी ऐसा नहीं कहा था कि मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। वो कहते हैं मेरी इच्छा होती है कि पूरा समय मैं मंदिर में दे दूँ, किंतु मुझे ये नहीं पता कि मेरे लिए बेटर क्या होगा, मैं अपना टाइम लेकर के जो मेरे लिए सबसे अच्छा होगा, भजन के लिए जो सबसे अनुकूल होगा, मैं उसी प्रकार से करूँगा। साधारण जगत के लोगों के अनुसार कोई अपना भाई काम ना करे अच्छा लगता नहीं, पति काम ना करे अच्छा नहीं लगता, और किसी को अपनी बेटी देना चाहते हैं कोई ऐसे व्यक्ति को कि जो काम ना करता उसको अपनी बेटी दे देंगे, कोई देना चाहता है? कोई नहीं देना चाहता। किंतु उनके जो ससुर हैं उन्होंने अपनी बेटी को भी दिया, इसलिए इस भावना के साथ में कि ये भक्ति करने वाला व्यक्ति है। आजकल शराब पीने वाले लोग मिलते हैं, चोरी करने वाले लोग मिलते हैं, झूठ बोलने वाले मिलते हैं, किंतु भजन करने वाला कहाँ से मिलेगा? भजन करने वाला कहाँ से मिलेगा? उनके जो अब उनकी पत्नी है वो भी सब समय वैष्णव की सेवा में रत रहते हैं, उनके अपने पास में जितना उनके अपना कुछ व्यवस्था है जिससे उनका सारा अपना घर चलता है, उसमें से भी जो पैसे मिलते हैं वो अपने वृंदावन में जाकर के सस्ते कमरे में रहते हैं, किंतु पैसा जो बचेगा वो हमारे ऊपर खर्च करते हैं। उनका ट्रैवलिंग वो करेंगे, उस ट्रैवलिंग में पैसे बचा करके रखेंगे, और हम लोगों के लिए क्या करते हैं वो इस प्रकार से भागवत इत्यादि का इनिशिएटिव लेते हैं, नगर संकीर्तन इत्यादि करते हैं। आप लोग उनके बारे में जानते ही होंगे, यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार की सेवाओं में अपने आप को सब समय लगा करके रखते हैं, उनका भी दिन प्रतिदिन भक्ति के प्रति और अधिक विश्वास हो, गुरु वैष्णव के पास में उनका जिस प्रकार का भावना है वो और भी अधिक वर्धित हो, यही हमारी हमारे गुरु पाद पद्म से सभी वैष्णवों के चरणों में निवेदन है, भागवत जी के चरणों में निवेदन है। ये कहकर के नवेदी का जो पत्नी है वो फिजियोथेरेपी डॉक्टर है, मैंने कहा तुमने इतने लिखाई पढ़ाई किस लिए किया है, थोड़ा बहुत कुछ तो काम करो। मैंने भी बहुत बार बताया, बोले गुरुदेव ये काम तो होता रहेगा लेकिन घर में किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारी, जो पैसा आता है ये काफ़ी है पर अपना संसार चलाने के लिए मैं नहीं चाहता हूँ, मैं अनमोल समय को ये डॉक्टरी में लगाए, हम चाहते हैं दोनों पति पत्नी भगवान की भजन करें। भैया कई सर पत्नी भी मैं दुनिया में नहीं देखा है, देखिए वो डॉक्टर कितने पैसा खर्चा करके उसको पढ़ाया लिखाया, लेकिन तब नहीं हम समय को भगवान के भजन में और एक एक लाख हरिनाम, एक लाख को हरिनाम करती है, कहाँ है हम रह गए बाहर है। पता नहीं
इसलिए ऐसे और उसका पति भी सर्वगुण संपन्न नवीन है, वो भी बढ़िया काम कर सकता है, हर काम कोशिश किए, लेकिन बोले नहीं हमारी जो पैसा मिलता है थोड़ी बहुत किराया में बहुत, उनको जो बड़े भाई कहाँ यहाँ पर है, बड़े भाई कहाँ हैं, वो बड़े भाई भी बहुत अच्छे हैं जो वो भी हर तरह से उनको भजन में मदद करते हैं, पूरा परिवार, उनकी पत्नी भी यहाँ पर बैठी है, यहाँ पर पत्नी बाहर सब बाहर गए थे, इसलिए उनका जो परिवार मिला ना बहुत अच्छी परिवार मिला, जिनकी भगवान के भजन में बड़ी रुचि। कल जो छोटा बच्चा था ना भागवत जिसको दिखा रहा था, वो इनकी बेटा है, आप देखे ना कैसे भक्ति बोलता पहन करके तिलक लगा करके इतना छोटा बच्चा कैसे माला करता है। अगर ऐसे हमारी घर बन जाए ना बस हमारे सारे काम बन जाएगा, इसलिए आप इनके परिवार के लिए, और इन्होंने अपना परिवार सबसे उन्होंने कुछ ना कुछ पैसा को लेकर उन्होंने ये भागवत कराया, इसलिए हम ठाकुर जी से गुरु जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इनके ऐसे सद्बुद्धि देते रहे और ऐसे ही भागवत कथा कराते रहे। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद कहते हैं ये माया में जो फंसे हुए जीव, अगर एक जीव को किसी तरह से भगवान की भजन में अगर कोई लगा दे, प्रभुपाद कहते हैं करोड़ों करोड़ हॉस्पिटल कोई खोल दे, करोड़ों करोड़ स्कूल कॉलेज कोई अन्य क्षेत्र खोल दे, उसमें जो पुण्य मिलेगी एक व्यक्ति को अगर किसने भगवान की भजन में लगा दे तो उससे अनंत करोड़ गुण में ज्यादा उसको पुण्य मिलेगी, फल मिलेगी। हम लोग देखते होंगे कि भागवत कथा में बहुत लोग हरिनाम लिए, बहुत लोग भगवान का नाम लिए है, बहुत लोग, तो इसका फल किसको मिलेगा, जिन लोगों ने ये भागवत कथा कराया। इसलिए हम ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी इनको ऐसे भक्ति दे, शक्ति दे और हर तरह से गुरु वैष्णव की सेवा करते रहे। हमारे बीच में हमारे सोसाइटी का प्रेसिडेंट श्री भक्ति वेदांत श्री वर्मा महाराज, वो भी कुछ अपना मधुर वाणी से सबको कुछ आशीर्वाद वचन देंगे। श्री भक्ति वेदांत श्री वर्मा महाराज बाकी दे दो। गुरवे गौरचंद्राय राधिकावे तदावे कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो वंशाकृतिभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर सुभाषादि श्रीगौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। सर्वतम कृपात पदम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टम भक्ति वेदांत श्रवण महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टुत रस्मान भक्ति वेदांत श्रवणानंद श्री महाराज के वाय चरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टुत रसत श्रीमद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज एवं दशाधीन परम पूज्यपाद त्रिदंड स्वामी भक्ति वेदांत श्री श्रीधर विष्णु महाराज एवं श्री भक्ति वेदांत श्री पद्मनाभ महाराज परम पूज्य श्री रामचंद्र प्रभु जी एवं परम पूज्य शायर महाराज परम पूज्य माधव प्रिय प्रभु एवं श्री संजय प्रभु एवं उपस्थित समस्त वैष्णव विष्णु बृंद मातृबृंद गुरुदेव सज्जन बृंद हरिकथा उपास सत्यबृंद सभी के चरण कमलों में मेरा नमस्कार। आज श्रीमद भागवत कथा की सप्तम दिवस जिसके अंतिम दिवस कहा जाता है, किंतु भागवत नित्य है, कभी समाप्त नहीं होता, नित्यं भागवत सेवया। अभी अभी हम लोग ने ये श्रवण किया, एक ऐसे श्रीमद भागवत की मूल तात्पर्य क्या है, विशेष करके हमारे प्रभु जी बहुत सुंदर रूप में बताया, ये श्रीमद भागवत जो है आश्रय जातीय ग्रंथ
प्रेम के दो पहलू का पहलू कहा जाता है, टू पार्ट्स, एक होता है दिशा, एक होता है आश्रय। आश्रय दिशा के मिलन ही प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे गुरुदेव कहते थे कि देखो एक हाथ में कभी ताली नहीं बजता, दो हाथ की जरूरत होती है। उसी प्रकार आश्रय और विषय के मिलन से ही प्रेम उत्पन्न होता है। तथापि श्रीमद् भागवत के जो प्रतिपाद्य विषय को दिखाया, वो श्रीमती राधा के प्रेम की महत्व जगत में प्रचार किया, जिस कथा प्रसंग स्वयं कृष्ण उद्धव के द्वारा जगत में प्रचार कराया राधा जी के प्रेम महात्म्य। उद्धव के भेजने की, मथुरा से उद्धव के भेजने की एक ही कारण था ये राधा जी की प्रेम महात्म जगत में कैसे प्रकाशित हो, क्योंकि जगत और पुराणों में जो कथा कही और श्रीमद् भागवत में यही प्रतिपाद्य विषय दिखाते हैं ये राधा जी की प्रेम महात्म कहाँ है। लास्ट इवेंट ऑफ इवन लाभ श्रीमती राधिका, राधा जी की प्रेम की महिमा कहाँ तक पहुँच सकते हैं, जिसके स्वयं कृष्ण ही प्राप्त करने पा रहे हैं, जिसके वही कृष्ण कलयुग में चैतन्य महापुरुष के रूप में आए हैं। जिस श्लोक में कहा जाता है अनया राधे श्री राधाया प्रणर महिमा त्रिस्वरूपाणि वा, इस श्लोक के द्वारा तीन कारण भी दिखा रहे हैं स्वयं कृष्ण राधे के प्रेम महात्म के आस्वादन करने के लिए राधा के भाव और कांति लेकर के गौरांग के रूप में प्रकट हुए। भागवत की कथा की प्रेम महात्मा संत चैतन्य महाप्रभु फिर उसके आस्वादन करने के लिए, अनुभव करने के लिए सन्नास के उपरांत जगन्नाथपुरी और जगन्नाथपुरी के पश्चात चैतन्य महाप्रभु कपूर में गोदावरी के तट पर रायरमंद से मिले और रायरमंद के साथ ये सब जो प्रेम की गहरी जितनी भी गहरी गहरी कथाएं जो है और उन्हें श्रवण किया आश्रदन किया। अस्तक या हरे रामचंद्र को मुझे बहुत सुंदर रूप में भी बताया गौड़ीय की तात्पर्य क्या है। गौड़ीय की तात्पर्य की होता है जहाँ पर राधा की महिमा है, गौरी शब्द से ही ये गौड़ीय शब्द निष्पन्न हुए। वास्तव राधा जी की सर्वोत्तमता जो प्रेम महत्व कहाँ पर प्रकाशित होते हैं और उसी के जो है संत चैतन्य महाप्रभु रायरमंद के निकट अपने स्वरूप का दर्शन कराया, जिसको कहते हैं राधा राधा कृष्ण ये प्रणय जो संपूर्ण जो रसभाव रसराज महाभाव एक तुनु हुआ, रसराज महाभाव की जो प्रकाश जो चैतन्य महाप्रभु है उसको दर्शन कराया, जिसके दर्शन करके स्वयं रायरमंद मूर्छित हो गए। प्रभु ये रसराज महाभाव को दर्शन करके अपने स्थिर नहीं कर देता है। इसमें तो कई कई भावों के जो है हमें दर्शन करें वास्तव जी हम प्रवेश करें गौड़ी की तात्पर्य क्या है। ये राधा जी की जो प्रेम महात्मा जिसे स्वयं परम्पर प्रसत्त भजन सुंदर और स्वयं आस्वादन किया और आस्वादन करके जगत ज्योति उसके एक एक बूंद दिया, जिसका मैंने रूपगोस्वामी पार अपने विदग्ध माधव नाटक ग्रंथ में अर्पित चयन चिरात कोरुणे अवतीर्ण करो समर्पय जो उन्नत उज्जवल सम सभक्ति स्यम वही पूर्ण शब्द विधि कर्म संदीप सदा हृदय कमल स्फुरत वह शचिनंदन, वही शचिनंदन गौर भरी जो किस प्रकार कोरुणा के उदारचमय विग्रह कहा गया, कृष्ण के कहते हैं माधुर्यमय विग्रह कहा जाता है और चैतन्य महाप्रभु के कहा जाता है औदार्यमय विग्रह। क्यों चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में किसी विचार नहीं किया, जारे तारे प्रेम पिलाया, जारे तारे तारे धैन कृष्ण प्रेम, जिसको दर्शन किया चैतन्य महाप्रभु सबके प्रेम में जो है आप्लुत कर दिया। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के एक विशेष वैशिष्ट जिसका हमारे आचार्य भी कहते हैं जन्मांस श्लोक जो अधिकारी हैं आदि कवि के द्वारा शब्द व्याख्या करते हुए श्री गुरुदेव कहते थे, साधारण रूप में लोग जानते हैं आदि कवि ब्रह्मा, किंतु गुरुदेव कहते हैं आदि कवि को
रूप गोस्वामी पाद ये समस्त भाव के जो है चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी पाद के हृदय में संचारित करके है सब जगत जीवों के जो है ये प्रण दे दिया और रूप गोस्वामी पाद महाप्रभु के भावों के अनुभव करके है अपने अपने ग्रंथ में जैसे विदत्त माधव ललित माधव हंस दूत आदि अनेक जो असंख्य ग्रंथ ग्रंथ में ये भाव की प्रकाश यही जो है श्रीमद भागवत की जो विशेष सार जो है ये समस्त दिखाया और इसी कथा को जो है हमारी गुरु परंपरा में धीरे धीरे आते आ रहे हैं जिससे श्रीमती राधा की जो महाभाव की जो प्रेम जो है जो माधवेंद्र पाद के हृदय में अंकुरित हुए और वो अंकुरित होकर के फिर चैतन्य महाप्रभु के निकट आए चैतन्य महाप्रभु वह प्रेम को जो है रघु गोस्वामी पाद दे दिया जीव गोस्वामी पाद रघुनाथ दास गोस्वामी इसके बाद जो है नरोत्तम सारानंद श्रीनिवास आचार्य और इसके बाद गुरु परंपरा में भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद भक्ति वेदांत स्वामी महाराज श्री भक्ति वेदांत भक्ति प्रज्ञान श्री केशव गोस्वामी महाराज भक्ति प्रमोदपुरी गोस्वामी महाराज और हमारे जितने गुरु परंपरा में आते आते श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी महाराज और इसके पश्चात जो है सर्वत्र ये समस्त प्रेम के धर्म के प्रचार हो रहे ये भागवत धर्म की विशेष वैशिष्ट ये दिखा गया इसलिए भक्ति की महिमा तो अपार है ये भगवान की महिमा तो वर्णन करना संभव नहीं है तो कदर उससे भी अधिक जो है भक्त की महिमा क्या वर्णन करें इसमें अधिक समय लेना नहीं चाहता हूँ यह भागवत की यही तात्पर्य है हम कैसे राहल की दस पद प्राप्त करें अशस्य दशे विश्वमानु जाया विश्वमानु नंदिनी श्रीमती राधा जी की ये किंकरी पद प्राप्त करने के लिए प्रबल उत्कंठा हृदय में जले इसी के मैं स्मरण करता हूँ और वैष्णव के निकट मैं प्रार्थना करता हूँ यह भाव हमारे हृदय में उदित हो अच्छा गुरुजन कृपा सिंधु गुरुजन हरे कृष्ण श्रीमद्भागवतम आप लोगों ने साथ ही कथा श्रवण किए जो सार है वो आपने भक्ति सार तो भक्ति सार में यहाँ बता रहे हैं निचोड़ में अंतिम में सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने क्या प्रवचन किए कि नाम संकीर्तन के द्वारा ही परम विजय प्राप्त नाम संकीर्तन करो परम उपाय यह सभी का निचोड़ जो है वो नाम संकीर्तन है वो नाम संकीर्तन क्या है हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे यही इसी में नाम संकीर्तन करो परम उपाय सब रस जो है जितने भी रस आपने शुरू किया वो सभी रसों का सार है नाम संकीर्तन ही अंतिम में सुखदेव गोस्वामी पाद जी ने करके यही महामंत्र को करते हुए फिर समाप्त किए थे सुखदेव गोस्वामी जी ने राजा परीक्षित महाराज की सभा में तो मैं समय का अभाव है मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा इसकी व्याख्या तो बहुत है किंतु समय के कारण मैं नाम संकीर्तन के द्वारा ही समाप्त सभी लोग भक्त लोग अंतिम में हरे कृष्ण महामंत्र का खूब हृदय कपाल को खोल करके और कीर्तन करें तो वह पूर्ण उद्भूतक होगा जदापनो की जदापनो चलो करो संकीर्तनम जो भी कुछ किया आपने सबका जो है अंतिम निचोड़ यही है कि नाम संकीर्तन तो नाम संकीर्तन बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय सदाने कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सर्वप्रथम आज है भागवत कथा का अंतिम दिन, थोड़ी सी ज्यादा समय दो क्योंकि कल से तो फिर आप लोग आओगे नहीं इसलिए आज लास्ट दिन है। हाँ, फिर भागवत होएगा तो फिर हम लोग आइएगा। आज थोड़ी सी, इतने सारे संत लोग आ गए इसलिए इनसे मुंह से अगर थोड़ी थोड़ी कुछ लेकर जाएंगे तो ये भागवत कथा सुनने का सार्थक है, इसलिए थोड़ी सी मैं जाता हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरु पाद पर जगत गुरु नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। तदनंतर नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णु पाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद शिला भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी के श्री चरण कमलों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। समस्त रूपानुगुरु परंपरा जगत गुरु शिला प्रभुपाद सपरिकर श्री गौरानंद प्रभु श्री राधा विनोद बिहारी जय पूज्य पाद श्री भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज जी पूज्य भक्ति वेदांत वन महाराज पूज्य भक्ति वेदांत भक्ति सार महाराज जी पूज्य पाद माधव प्रिय प्रभु पूज्य पाद पद्मनाभ महाराज जी पूज्य पाद रामचंद्र प्रभु जी अन्य अन्य ब्रह्मचारी वृंद वैष्णव वैष्णवी सबके चरणों में मेरा जथा जोग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। आप लोगों ने 7 दिन तक पूज्यपाद महाराज जी के मुख से और बहुत सारे अन्य वैष्णवों के मुख से श्रीमद् भागवत की कथा और भागवत के बहुत सारे प्रसंगों को श्रवण किया। जब हमारे रामचंद्र प्रभु जी कथा कह रहे थे तो उन्होंने जहाँ से अपनी बात को आरंभ किया, यदि आप लोगों को स्मरण हो तो उन्होंने एक बात कही, बात हृदय को लग गई। उन्होंने ये कहा, एक प्रभु जी के विषय में कह रहे थे ना कि उन्होंने बहुत सारे श्लोकों को स्मरण किया है, अब यदि ये बुद्धि से हृदय में उतर जाए तो बात बन जाए। सुनने में तो स्मरण है, किसी को प्रभु जी ने कहा ये शब्द, सुनने में तो शब्द बड़े साधारण से लग रहे हैं किंतु अर्थ बड़ा गंभीर है, बड़ा गंभीर अर्थ। अभी तक तो जो कुछ बुद्धि से कह रहे हैं यदि वो थोड़ा सा हृदय में प्रवेश कर जाए, थोड़ा सा हृदय में प्रवेश कर जाए तब तो वास्तव में इस भागवत को सुनना सार्थक हो जाए। यदि थोड़ा सा भी हृदय को लग जाए बात, थोड़ा सा भी हृदय में स्पर्श कर जाए बात, तब तो वास्तव में हमारा भागवत सुनना सार्थक हुआ। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी वो कोलकाता में प्रेस में बैठे थे और उनसे मिलने के लिए उस समय कोलकाता के एक बड़े धनी व्यक्ति धन कुबेर, उनका नाम साक्षी गोपाल बड़ा, क्या नाम था, बड़े धनी व्यक्ति थे, प्रभुपाद जी के प्रचार में बड़ी सहायता किया करते थे, बड़ी सहायता किया करते, जो ग्रंथ छपते उनमें बड़ी आर्थिक सहायता किया करते। वो साक्षी गोपाल बड़ाल जी प्रभुपाद जी से भेंट करने के लिए आए। प्रभुपाद जी कहां बैठे थे, कोलकाता में प्रेस में बैठे थे। वो प्रभुपाद जी से भेंट करने के लिए आए और किसी भागवत व्यवसायी की कथा सुनकर के आए थे। भागवत व्यवसायी समझते हैं, जो भागवत कथा करते हैं, भागवत कथा के विनिमय में बदले में कुछ धन ले लेते हैं और उस धन से अपनी जीविका अर्जन करते हैं, अपना जीवन चलाते हैं, परिवार पोषण करते हैं। ऐसे लोगों को कहते हैं भागवत के द्वारा जो अपनी जीविका चलाते हैं ऐसे लोगों को कहते हैं भागवत व्यवसायी। तो ये साक्षी गोपाल बड़ाल जी किसी भागवत व्यवसायी के मुख से कथा सुनकर आए थे, बड़े प्रसन्न मन से प्रभुपाद जी के निकट में आए, उनसे कहते हैं आज मैं अमुक गोस्वामी की भागवत सुनकर के आया, इतनी सुंदर भागवत थी, इतनी सुंदर भागवत। जब वो मिलन का प्रसंग कहते थे कृष्ण का ब्रज गोपियों का, कृष्ण का ब्रजवासियों का,
मिलन का प्रसंग कहते, श्रोता लोग उठ करके आनंद से झूमने लगते, और जब वो विरह का प्रसंग कहते, श्रोता लोगों के नेत्रों से अश्रु की धारा बंद नहीं होती। इतनी सुमधुर भागवत कथा मैंने कभी भी नहीं श्रवण की। कौन कह रहा है, कौन कह रहा है? साक्षी गोपाल बड़ाल जी, बड़े धनी व्यक्ति थे, प्रभुपाद जी के प्रचार में बड़ी सहायता करते। प्रभुपाद जी ने सुन करके उत्तर दिया, जो लोग भागवत कथा के विनिमय में धन अर्जन करते हैं और उस धन अर्जन से अपनी जीविका यापन करते हैं, ऐसे लोगों की भागवत कथा सुनने से श्रोता का कदापि मंगल नहीं हो सकता। जब उन्होंने सुना वो तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए। प्रभुपाद जी से कहते हैं, जिनकी कथा सुन करके लोग आनंद से झूमने लगते हैं, जिनकी कथा सुन करके लोग उच्च स्वर से क्रंदन करते हैं, ऐसे व्यक्ति की कथा सुनने से कोई मंगल नहीं होगा। प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, भागवत की कथा सुनते हैं, सुनते समय आनंद से नाचते हैं, उच्च स्वर से क्रंदन करते हैं, किंतु कथा सुनने के पश्चात जब अपने घर लौटते हैं, वापस विषय भोगों में कैसे लग जाते हैं? यदि भागवत का एक शब्द भी किसी के हृदय में प्रवेश कर गया, उन्हें कदापि विषय भोगों में मति नहीं कर सकती। एक शब्द भी, पूरी भागवत तो बहुत दूर की बात, श्रीला प्रभुपाद कहते एक शब्द भी यदि भागवत का हृदय में प्रवेश कर गया, विषय भोगों में पुनः मति नहीं कर सकती। भागवत को तो सुनने का फल है, भागवत स्वयं कह रही है, पीबंति जे भगवत आत्मनाम सताम कथामृतम श्रवण पुटेशु संवृतम उनन्ति ते विषय विदूषिताशयम व्रजन्ति चरण सर्वरूहांतिकम। अरे पीबंति जे भगवत आत्मनाम सताम, जो अपने कान रूपी दोनों से, कान रूपी दोने इनसे भागवत रूपी अमृत का पान करते हैं, यदि उन्होंने उस अमृत की एक बूंद का भी पान कर लिया तो उसका फल क्या है? उन्नति ते विषय विदूषिताशयम, उनका हृदय संपूर्ण रूप में मार्जित हो जाएगा और कृष्ण हृदय में आकर के बैठ जाएंगे। तो श्रीला प्रभुपाद कहते यदि कृष्ण हृदय में आकर बैठ गए, उन्हें विषय भोगों में मति लग सकती है? कदापि नहीं लगेगी मति। तो यदि वास्तव में भागवत कथा सुन ली, जो प्रभु जी ने जहां से बात आरंभ की ना, तो ये बात स्मरण हो गई, सुना भी हमने, कहा भी हमने, किंतु हृदय में यदि थोड़ा सा प्रवेश कर गई बात, थोड़ा सा भी हृदय में, समझो वास्तव में हमारा भागवत को सुनना सफल हो गया। शिला प्रभुपाद जी एक और बड़ी अच्छी बात कहा करते थे, आज तो अंतिम दिवस है ना, अंतिम माने यहाँ आज भागवत का विश्राम हो रहा है, कल कहीं और भागवत आरंभ हो जाए। जैसे कृष्ण लीला है ना, चक्रवर्ती बात कहते अलाप चक्रवर्त चलती है, निरंतर चलती रहती है, तो भागवत कहीं और आरंभ हो जाएगी। तो आज भागवत के सार पर चर्चा हो रही है। भागवत का सार क्या है? ये ब्रज गोपियों का प्रेम, उसमें भी राधा जी का प्रेम। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, श्री चक्रवर्ती पाद जी ने एक बात कही है, भागवत का सार क्या है? आराध्य हो भगवान ब्रजेश तनया तद धाम वृंदावन रम्या काजित उपासना ब्रज वधु वर्गेणिया कल्पिता श्रीमद भागवतम प्रमाणे अम्लम प्रेमा कुमार्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभु मतमिदम तत्र आदरो नापरा। साधारण लोग क्या समझते हैं भागवत का सार क्या है? आराध्य हो भगवान ब्रजेश तनया, हाँ भागवत का सार है, ये भागवत का सार है। चक्रवर्ती पाद ने, सारे आचार्यों ने कहा ये भागवत का सार है। आराध्य हो भगवान ब्रजेश तनया, जो ब्रज के कृष्ण है उनकी आराधना करो। किस भाव से करो? ब्रज वधु वर्गेणिया कल्पिता, अरे ब्रज गोपियों ने जिस भाव से की उस भाव से करो। इस विषय में प्रमाण क्या है? श्रीमद् भागवतम प्रमाणेऽमलम, इस विषय में श्रीमद् भागवत ही प्रमाण है, और श्री चैतन्य महाप्रभुर मतमिदम तत्र आदरो न परा, यही श्री चैतन्य महाप्रभु का मत है, हम और किसी मत का आदर नहीं करते। समझ में आई बात? ये भागवत का सार है, ये भागवत का सार है। किंतु शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, जो गौड़िया मठ के आश्रित लोग हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तव में अनुगत हैं, उन लोगों का विचार क्या है, उनके अनुसार भागवत का सार क्या है? श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, वो आराध्य हो, आराध्य हो भगवान ब्रजेश तनया, वो आराध्य हो शब्द का अर्थ क्या ले लेते हैं? अने आराधितो नूनम भगवान हरिनिश्वरा यन्नो विहाय गोविंदा प्रीतो यामर यत्रा। अरे रास के समय में कृष्ण की जितनी लीलाएं हैं उनमें सर्वोत्तम लीला है रास लीला, उस सर्वोत्तम रास लीला में कृष्ण 100 करोड़ गोपियों के साथ में रास कर रहे हैं, और एक राधा जी को मान हो गया, 100 की 100 करोड़ गोपियां हैं, एक राधा जी को मान हो गया, 100 करोड़ गोपियां भी कृष्ण के मन को नहीं रख सकी, राधा जी को मान हुआ, राधा जी रास छोड़कर चली गई, रास भंग हो गया। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं, ये जो रास लीला में राधा जी की महिमा,
राधा जी का जो वर्चस्व, राधा जी की जो सर्वोत्तमता प्रकाशित हुई है, ये आराध्य शब्द का वास्तविक अर्थ है। अनाराधितो नूनम, भगवान हरिश्वर स्वयं कृष्ण भी एक साधारण अर्थ है। ब्रज गोपियां कह रही है राधा जी ने हम सबसे भी अधिक रूप में, हम सबसे अधिक रूप में कृष्ण की आराधना किया। किंतु श्रीला प्रभुपाद जी कहते वास्तव में इसका एक और बड़ा गूढ़ अर्थ है। अरे कृष्ण ने 100 करोड़ गोपियों से अधिक इस एक गोपी की बड़ी विशेष आराधना की है। तो जिस विशेष गोपी माने श्रीमती राधिका की कृष्ण ने आराधना की है, उन राधा जी के चरणों की भक्ति, उन राधा जी के चरणों का दास्य भाव, ये प्राप्त होना ही श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय, श्री चैतन्य महाप्रभु का मत और मुक्त महापुरुषों का एकमात्र आलोच्य विषय है। ये भागवत का सार है। श्रीमती राधा जी के चरणों की जो भक्ति है, राधा जी के चरणों का जो दास्य भाव है, ये भागवत का सार है। किंतु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत का एक और विशेष बात है। भागवत के सार पर जब चर्चा की जाए, एक और बड़ा विशेष सार है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं भागवत का प्रत्येक श्लोक, प्रत्येक श्लोक नहीं प्रत्येक शब्द, एक एक शब्द भागवत का श्रीमती राधा जी की महिमा का ही गुणगान करता है। किंतु श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इसमें एक और बड़े रहस्य की बात है। साथ ही साथ श्रीमद् भागवत का एक एक श्लोक, एक एक शब्द, उसका प्रतिपाद्य विषय क्या है, तृणादपि सुनिष्ठा, ये कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा। ये व्याख्या श्री प्रभुपाद जी करते हैं। एक एक शब्द, एक एक श्लोक नहीं, एक एक शब्द, उस एक एक शब्द का प्रतिपाद्य विषय क्या है, तृणादपि सुनिष्ठा। श्री प्रभुपाद जी ने इसका अर्थ बताया। रूपमंजरी जी कभी चंद्रावली की एक सखी से मिली, रूपमंजरी कभी चंद्रावली जी की एक सखी से मिली। चंद्रावली जी की सखी जो है ना शैप्या पद्मा, वो रूपमंजरी जी से कह रही है, सखी ये जो कृष्ण है ना, ये बड़े आकर्षक हैं, बड़े आकर्षक, सबके हृदय को आकर्षित कर लेते हैं, सबके हृदय को आकर्षित कर लेते हैं। और मेरी सखी जो चंद्रावली है ना, वो जब कृष्ण के श्री अंगों का दर्शन करती है, कृष्ण के नखचंद्र से लेकर के कृष्ण के केशों तक का दर्शन करती है ना, तो मेरी सखी चंद्रावली के नेत्र जो है ना, कृष्ण के श्री अंगों से एक क्षण के लिए भी नहीं हटते। तो रूपमंजरी जी ने उत्तर दिया, सखी तुम्हारी जो सखी चंद्रावली है ना, वो बड़ी सौभाग्यवान है, किंतु हमारी सखी जो राधिका है ना, उसका तो बड़ा दुर्भाग्य, बड़ा दुर्भाग्य। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ये तृणादपि सुनिष्ठा है, ये तृणादपि सुनिष्ठा का वैशिष्ट है, इसको समझ लो, भागवत का प्रतिपाद्य विषय तृणादपि सुनिष्ठा है। रूपमंजरी जी क्या उत्तर दे रही है, तुम्हारी सखी चंद्रावली बड़ी सौभाग्यवान है, हमारी सखी राधा जी है ना, बड़ी दुर्भाग्यवान है। चंद्रावली ने पूछा क्यों दुर्भाग्यवान है, रूपमंजरी जी ने उत्तर दिया, अरे हमारी सखी राधा जी कभी भी एक साथ में कृष्ण के संपूर्ण अंगों का दर्शन नहीं कर पाती। चंद्रावली ने पूछा क्यों, कहते जब राधा जी एक अंग का दर्शन करती है ना, ये भाई 2 मिनट के लिए इसको बंद कर दो, बार बार आते बाधा देते कथा में। चंद्रावली क्या कह रही, रूपमंजरी कह रही है चंद्रावली से, तुम्हारी सखी बड़ी सौभाग्यवान है, वो कृष्ण के संपूर्ण अंगों का एक साथ में दर्शन कर लेती है, किंतु हमारी सखी जो राधा है ना, वो तो कृष्ण के एक अंग पर जब उनका दृष्टिपात होता है ना, जब कृष्ण के नखचंद्र को, कृष्ण के अंगूठे के नख की छटा को देखती है, वहां से राधा जी के नेत्र नहीं हटते। जब कृष्ण के केशों को देखती है, वहां से राधा जी के नेत्र नहीं हटते। जब कृष्ण के कटी प्रदेश को देखती है, वहां से राधा जी के नेत्र नहीं हटते। तो हमारी राधा जी जो है ना, वो तो कृष्ण के संपूर्ण अंगों का एक साथ में कभी दर्शन नहीं कर पाती, इसलिए हमारी सखी बड़ी दुर्भाग्य है, तुम्हारी सखी चंद्रावली बड़ी सौभाग्यवान है। ये सुनकर के जो चंद्रावली की सखी है ना, उसका मुख नीचे हो गया। समझ में आई बात है? कुछ भी नहीं समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, जो समझ में नहीं आया उसी को समझना है। राधा जी का भाव कितना उन्नत है, कितना उन्नत, कृष्ण के श्री अंगों के नख चंद्र को भी, उनके चरणों के एक अंगूठे के नख की ओर भी जब राधा जी दर्शन करती है ना, उसका दृष्टिपात करती है, इतना सौंदर्य भरा हुआ है उसमें, और उस सौंदर्य का पान करने का जो वास्तव में अधिकार है, वो एकमात्र श्रीमती राधिका में है। जब केवल कृष्ण के नखचंद्र का दर्शन करती है ना, तो राधा जी के नेत्र वहां से हटते ही नहीं है। सारे अंगों का एक साथ में दर्शन कैसे करेंगी, सारे अंगों का एक साथ में दर्शन तो संभव ही नहीं है।
यदि संभव हो तो कृष्ण का एक एक अंग जो है उसकी महिमा ही क्या रह गई, महिमा रह गई कुछ, एक साथ में सारे कृष्ण के अंगों का दर्शन कर लिया, ये कभी संभव है? अरे रूप गोस्वामी जी तो एक नक्षत्र की उन्होंने कितनी महिमा का गुणगान किया। ये श्रीमद् भागवत का प्रतिपाद्य विषय, ये जो त्रिनादपि सुनिष्ठा है ब्रज गोपियों में, ब्रज गोपियों विशेष कर राधा जी उनके पक्ष की गोपियों में, श्रीला प्रभुपाद जी कहते ये भागवत का प्रतिपाद्य विषय, किंतु इस त्रिनादपि सुनिष्ठा का जो वैशिष्ट्य है ना, श्रीला प्रभुपाद जी कहते जगत के लोगों को इस वैशिष्ट्य को सुनने का सौभाग्य नहीं मिलेगा। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जी उनकी परंपरा और विशेषकर श्री सरस्वती गोस्वामी ठाकुर जी की परंपरा में हमारे जो परम रसिक हमारे गुरुपाद पद्म श्रीला भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी हैं, जिन्होंने जगत में हमारे गोस्वामियों की, हमारे श्रीला प्रभुपाद जी उनके गणों की जो ये हृदयगत संपदा है, इसको जो हमारे गुरुपाद पद्म ने संपूर्ण जगत में जाकर के प्रचार किया, जिनकी कृपा के फलस्वरूप आज हम इस स्थान पर बैठ करके हम सभी लोग जिन महापुरुष की कृपा से, जैसे रूप गोस्वामी जी के विषय में कहा गया ना, जाकर चरण प्रताप सकल जगत गाई गवाई सुप्रीत, जिनकी कृपा से जिनके चरणों के प्रभाव से आज तक भी जगत के लोग इस श्रृंगार रस के विषय में वर्णन करते हैं, कीर्तन करते हैं, ऐसे गुरुपाद पद्म श्रीला भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी जिनके मुख से इन सब व्याख्याओं को श्रवण करके हम सभी वक्ता लोग यहाँ बैठकर उन्हीं की वाणी का अनुकीर्तन कर रहे हैं, ऐसे गुरुपाद पद्म धन्य है, परम धन्य है, और उनकी वाणी को जो आगे विस्तार कर रहे हैं, वेद व्यास जी का वेद व्यास नाम ही इसलिए है, व्यास का अर्थ विस्तार यति इति व्यास है, व्यस्तते अनेन इति व्यासा, जिन्होंने वेदों का विस्तार कर दिया वो सब व्यास है, व्यास एक नहीं है, वेद व्यास एक नहीं, सब व्यास है, इसलिए जो गुरुपाद पद्म की उसी वाणी का आज भी विस्तार कर रहे हैं, ऐसे गुरुपाद पद्म जन हमारे ज्येष्ठ गुरु भ्रातागण वो सभी परम धन्य है, सबके चरणों में भी कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि प्रणाम, गौर प्रेम धन्य। हरे कृष्णा सब, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे। है ना थोड़ा सा और है बस, मैं संक्षेप में सबको प्रणाम करते हुए मैं सीधा विषय वस्तु पर पहुंचता हूँ। श्री गुरु महाराज जी की जो इच्छा थी नमन बिहारी जी को प्रकट करने, चंद्र प्रभु जी ने ये अक्लांत परिश्रम से इसको जो रूप और इसका जो व्यवस्था जो प्रकट किया है, इस कारण क्या था, श्री गुरुदेव क्या चाहते थे, यहाँ निरंतर कृष्ण की कथाएं मुखरित होती रहे, यहाँ पर जो है ठाकुर जी की भक्तों की करके कथाएं सुनने को मिले, और इस बात का देखो कितना सौभाग्य है आज के दिन हम पूज्यपाद महाराज, पूज्यपाद महाराज जी विशेष करके माधव प्रिय, तो विशेष करके पूज्यपाद श्री माधव प्रिय प्रभु जी, संजय प्रभु जी और रामचंद्र प्रभु जी, और जो कथा व्यास जी हैं, जब श्रीधर महाराज जी के मुकार अविंद से कितनी सुंदर सुंदर से बच्चों से भी नए नए कितने लगातार हम लोग केवल केवल भागवती नहीं बल्कि भक्त भागवत जो भक्तों के चरित्रों के बारे में भी सुनने का सौभाग्य मिला है, यही इस भागवत कथा इत्यादि रखने का मूल प्रयोजन है, यही इसका मूल तात्पर्य है कि यहाँ निरंतर कृष्ण कथा चलती रहे। देखो यहाँ पर जो कथा जो सुनने को मिला है, पता है ये कथाएं सुनने के लिए हम लोग श्री रूप गोस्वामी पाद जी के तिथि के समय जूलन के समय में श्री रूप सनातन गौड़े मठ वृंदावन जाते थे, तब ये सब बातें किसी सौभाग्य से गुरुदेव के और वैष्णव के मुखारविंद से सुनने को मिलता था। आज यहाँ बैठे 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 शायद आप लोगों को इसका महत्व ही नहीं पता या समझ ही नहीं आ रहा हो या कोई कोई समझ भी पा रहा हो, किंतु तब उस समय जो है विशेष करके
रूप गोस्वामी पाद जी के तिथि के दिन जो रामचंद्र पौजी ने कहा सुदीप्त उद्दीप्त इत्यादि माधव देव प्रभु ने वन महाराज जी ने संक्षेप में कहा, संजय प्रभु जी ने भी कहा ये सब बातें, तब रूप गोस्वामी पाद जी तिथि के समय ये सब सुनने को मिलता था। वही सब सौभाग्य हमें रमन बिहारी में, आप लोगों को वृंदावन जाना नहीं, यही बैठे बैठे वृंदावन आ गया। स्थाने वैष्णवगण स्थाने वृंदावन स्थाने आनंद अशेष, जहाँ वैष्णव है वही वृंदावन है, उनके चरणों में बैठ के कथा सुनने में ही वृंदावन की वास्तव ये सार्थकता है, उपलब्धि है। तो यही ये सब कथा रखने का मुख्य प्रयोजन है। श्री गुरु महाराज जी बार बार कहते थे बड़े बड़े मंदिर इत्यादि बनाने का क्या प्रयोजन यदि वहां पर कथा कीर्तन ना हो, यदि निरंतर ठाकुर जी का स्मरण न हो, वैष्णवों की सेवा न हो, निरंतर भक्तों के चरित्रों का स्मरण न हो, नहीं तो वो सब इतना बड़ा बड़ा पत्थरों से स्थान बनाने का कोई लाभ नहीं है। इसीलिए श्री गुरु महाराज जी के और रमन बिहारी की प्रेरणा से लगातार यहाँ पर एक के बाद एक जो है कार्यक्रम चल रहा है। और विशेष करके मैंने प्रारंभ में भी फिर बताया कि गुरु महाराज जी की प्रेरणा से एक नया युग, नए एक प्रकार से जो सेवा करने का सुयोग सब लोगों को प्राप्त हुआ है, वो श्रृंखला में हम लोग सबसे पहले श्री गुरु महाराज जी की प्रेरणा से सबसे पहले पूज्यपाद श्री वन महाराज जी का भागवत यहाँ पर पिछले साल, उसके बाद ये साल में भी हुआ, बड़ी बहुत ही बहुत ही सुंदर तरीके से हुआ। फिर बाद में जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट पूज्यपाद श्रीधर महाराज जी की भी बड़ी समय से मन में लालसा थी, कई समय से मैं प्रार्थना करता रहा। और महाराज जी बड़े व्यस्त हैं, समय नहीं है, इसके बाद कहीं दूसरी जगह फिर विदेश जा रहे हैं, फिर भी बड़े कृपालु होकर के महाराज जी ने समय निकाला। सब लोग जोरदार से महाराज जी को ताली देंगे। महाराज जी ने बड़े सुंदर तरीके से भागवत को सबके सामने व्याख्या की, कम समय में सबको सुयोग दिया, सबको लेकर के चलते हुए बड़ी मधुर मिठास भावनाओं से भागवत को यहाँ पर प्रवेशन किया। महाराज जी की बड़ी कृपा है। और इतने बड़े कार्यक्रम का जो आयोजन है, जैसे माधव प्रिय प्रभु भी बड़े सुंदर तरीके से कह रहे थे, हमारे श्री नवीन कृष्ण प्रभु जी हैं, फिर उनके पूरे परिवार हैं, पत्नी हैं, बड़े भाई हैं, भाभी हैं, और जो पूरा जो उनका ग्रुप है, कई सारे लोग हैं, सब लोगों ने मिलकर कोई फूलों की, कोई प्रसाद की, कोई व्यवस्था की, कोई बलून की, सबकी सब लोगों ने मिलजुल करके जो है रमन बिहारी की और वैष्णवों की सेवा की। इन सब लोगों के लिए भी सब लोग जोरदार से तालियां दें, क्योंकि ये लोग इतनी मेहनत से ये सब व्यवस्था नहीं करते। ये सुनने का सुयोग, ये बैठ के आप लोग जो सुन रहे हो, बाहर जाके सीधा लाइन में प्रसाद दे देते हो, ये सुयोग तो मिलेगा नहीं, है कि नहीं। इसलिए हम इन सब के प्रति हम लोग जो है ऋणी हैं, और ये सिलसिला जो है लगातार चलती रहेगी। इसके बाद मेरे मन में कई बार मैंने प्रार्थना भी किया, जो हमारे होने वाले वाइस प्रेसिडेंट जी हैं, मुझे भक्ति वेदांत सिद्धांति महाराज जी का भी मन में विचार है, महाराज जी से भी मैंने कहा है जब उनको समय मिलेगा उनकी भी भागवत जल्दी से होगी। ये भागवत के बाद क्योंकि कुछ लोग हैं जो केवल भागवत सुनने से ही रमन बिहारी आने का प्रण ले रखे हैं, तो इसीलिए उन लोगों के लिए भी हम लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम जो है सिलसिला लगातार चालू रखेंगे। आप सब लोगों को ये खुशखबरी देना चाहूँगा, इसके बाद जो है सितंबर महीने में राधाष्टमी के बाद पूज्यपाद हमारे जो प्रेसिडेंट जी हैं श्री भक्ति विदान श्री वन महाराज जी का भागवत होगा रमन बिहारी में। डेट अभी क्या डेट है, हमारी जो डेट है डेट की ये सितंबर है, सितंबर एक कौन तारीख है, हाँ 28 सितंबर, हाँ 28 सितंबर से जहाँ रमन बिहारी में महाराज जी का होगा, और सिद्धांति महाराज जी का संभवतः कार्तिक के बाद यदि टाइम है सिद्धांति महाराज जी का भी संभवतः हो सकता है। और जो लोग यहाँ पर 7 दिन तक भागवतम में
समय दिया है उन सबसे भी प्रार्थना है। रमन बिहारी में इसी प्रकार लगातार कार्यक्रम चलते रहता है। इसके बाद स्नान यात्रा है, 14 जून को रथ यात्रा है, 1 जुलाई को और 13 जुलाई को श्री गुरु पूर्णिमा है, 17 तारीख को संडे के दिन विशेष रूप से पूज्य पशुपन महाराज जी का भी यहाँ पर गुरु पूर्णिमा का यहाँ पर कार्यक्रम होगा। फिर उसके बाद झूलन, फिर जन्माष्टमी होगी 19 अगस्त को, राधाष्टमी। आप सबसे निवेदन है कि जुड़े रहे, ये नहीं कि भागवत हो गया प्रसाद पा लिया और कोई श्रीमन बिहारी से फिर उसके बाद हमारा कोई मतलब नहीं है, फिर इतना बड़ा कार्यक्रम करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। और इसके अलावा जो लोग विशेष रूप से इन सब तत्वों को जानना और जीवन में पालन करना भी चाहते हैं, वो निश्चित रूप से हम लोगों के पूजनीय महाराज जी से दीक्षा इत्यादि लेते हुए यहाँ पर श्री रमन बिहारी में प्रतिदिन सुबह शाम कथा कीर्तन होता है। विशेष करके संडे के दिन जो है तरह तरह के प्रोग्राम होते हैं, पालकी प्रोग्राम होते हैं, नाम अट्टा प्रोग्राम की जाती है, लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसके बाद गर्ल्स के लिए, लेडीज के लिए भी गौड़िया गर्ल्स ग्रुप है, बच्चों के लिए लिटिल गौड़िया के नाम से जो भागवत आप लोगों ने सुना कल परसों, लिटिल गौड़िया में सिखाया जाता है श्लोक सबकी माता सिखा रही है, कि तो साथ में लिटिल गौड़िया में भी सिखाया जाता है। तो आप लोगों को भी चाहते हैं बच्चों में संस्कार हो, संडे के दिन ये सब कार्यक्रम जो है चलता है, बाहर बोर्ड में सब डिटेल जो है दिया हुआ, फोन नंबर सब कुछ। इस प्रकार यहाँ पर सीखने को भी मिलता है, केवल प्रसाद ही नहीं है, यहाँ सीखने को और पालन करने को भी बहुत कुछ चीजें हैं। इसलिए जो लोग वास्तव में जुड़ना चाहते हैं और भक्ति क्या है, चैतन्य महाप्रभु जी का विचार क्या सीखना चाहते हैं, उनके लिए भी तरह तरह के कार्यक्रम, तरह तरह की चीजें हैं। आप सबसे निवेदन है ये भक्ति को जो आप लोगों ने प्रारंभ किया है इसको बढ़ाते रहें और अधिकाधिक रूप से श्री गुरु और वैष्णवों की सेवा में समय दें। जीवन आपका सफल होगा, सब प्रकार से मंगल होगा। श्रीमन बिहारी से, ठाकुर जी से मेरा यही प्रार्थना है और पूजनीय महाराज जी और श्री नवीन प्रभु सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए और इतना सुंदर 7 दिनों का महाप्रसाद सबके लिए। और रमन बिहारी में भागवत करना कोई मजाक बात नहीं है, क्योंकि यहाँ सबसे बड़ी बात क्या है, यहाँ तो छींक मारो तो भी 1500 पहुंच जाते हैं, इसलिए यहाँ सबके लिए प्रसाद व्यवस्था करना कोई कम बात नहीं है। और रोज और इतने सुंदर सुंदर प्रसाद हैं, आप लोग देख ही रहे, कोई सबके लिए मैंगो शरबत, किसी दिन शाही पनीर, शाही पनीर कभी को जब कभी को धंधे लोगों के लिए देना कोई साधारण नहीं है। इसलिए मैं सबको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बड़ी रूप से लोगों ने। बोलो भागवत सबका की जय, श्री गुरु महाराज की जय, पूज्यपा सभी वैष्णव वृंद की जय, गोत्र वंदे। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री हरिद्रराधर श्री वासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप लोगों के लिए प्रसाद की व्यवस्था की गई है, महाराज जी ने बताया ना, आवाज दबा लीजिए आपकी, अभी मैं बोलूंगा मेरे पीछे से जोर से बोलेगा, ठीक है। कहते हैं एक कृष्णा करे सर्व पाप नाश, एक भगवान कृष्ण का नाम हमारे जन्मों जन्मों के पापों को नाश करने की शक्ति रखता है। और ऐसे कृष्ण के नाम की महिमा 7 दिनों से श्रवण कर रहे हैं, फिर भी मुझसे कृष्ण का नाम नहीं होता। देखिए कैसा भगवत भागवत श्रवण किया, अभी ठीक से बोलेगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। अब आप बोलेगा, हम पीछे से बोलेंगे, जोर से बोलेगा, हमारी कमी भी पूरी कर दी। और आपकी बोलो, इनकी बातों से अच्छे से पता चलता है कि कैसे अच्छे से नगर संगीतम करवाता होगा हर काल। सर्वप्रथम गुरुजी निकले अपने विष्णु विष्णु का दस्तोदर्शन शिष्य भक्ति वेदांत
श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण कमलों में साष्टांग प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात हमारे कथा व्यास भक्ति वेदांत सिंह महाराज जी के चरणों में अपना अनंत कोटि प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात भक्ति वेदांत महाराज जी, भक्ति वेदांत सार महाराज जी, पूर्ण पूज जी, हमारे माधव के प्रभु जी, हमारे परम पूज जी, हमारे रामचंद्र रो जी, पूर्ण पूज जी, हमारे पद्मा महाराज जी, हमारे पूजनीय संजय प्रभु जी। देखिए कहते हैं अगर एक व्यक्ति हरिद्वार में जाता है ना गंगा स्नान के लिए तो कहीं उसके 200 किलोमीटर दिल्ली से जाता है, 250 किलोमीटर तो कहीं उसके पाप खत्म होते हैं। तो देखिए आज आपको इतने संतों का दर्शन हो रहा है, ऐसे काफी की परिक्रमा हो रही हो, इस प्रकार का अनुभव हो रहा है। ऐसा हो रहा नहीं हो रहा, किस किस का हो रहा है ना, ऐसे संतों का दर्शन, इतने ऐसी ऐसी कथाएं जो कभी सुनने को नहीं मिलती, वो भी हमें मिल ये तो कैसे मिलती है, आदि बंगला भाषा में, कोई वहां बैठा है, कोई वहां बैठा है, कोई समझ आता है नहीं आता। अभी देखो इतनी पास से संतों का दर्शन, इतनी मधुर वाणी में इतनी रसीली रसीली कथाएं, हृदय को स्पर्श करने वाली। कहते हैं यही हमारा है, इनके चरणों इनके दंडवत प्रणाम करते हैं, आप सभी सभी के लिए जोरदार ताली बजाइए। देखिए हम लोगों में भगवान की बड़ी ही विशेष कृपा है, क्योंकि कहते हैं कि बहुत बहुत मुश्किल से किसी एक संत का दर्शन होता है, हमारे बीच में इतने संत हैं और इन्होंने हमें इतने दिनों से हमारे महाराज जी अन्य अन्य वैष्णवगण आकर के दूर दूर से किसी के लिए एक घंटे के लिए भी समय देना कितना मुश्किल होता है ना। क्या हमारे हमारे लिए अगर कोई थोड़ा सा भी पेन लेता है ना, थोड़ा सा भी, हमें उसका ऋणी होना चाहिए। और हमारे पूज्य महाराज जी चार चार घंटे हमें बोल बोल के सुना रहे हैं कि ऐसा मनुष्य जीवन की क्या वैल्यू है, उसको कैसे सार्थक करना है। लेकिन हम लोग अब हमारे हम लोगों पर निर्भर करता है कि हम लोग महाराज जी की जो भागवत की शिक्षाएं हम लोगों को दे रहे हैं, अन्य अन्य शास्त्रों से प्राणों से ले लेकर के एग्जाम्पल सुना रहे हैं इतने सुंदर सुंदर, इसलिए उनको अपना कोई लाभ नहीं है, है ना, उनको अपना कोई निजी लाभ नहीं है। वो क्या चाहते हैं कि हमारा मंगल किसमें होगा, हमें समझना है कि हमारा मंगल किसमें है। कहते हैं एकला ईश्वर कृष्णा आप सब भक्ते, हम कौन है, हम सारे के सारे ईश्वर कौन है, ईश्वर एकमात्र कृष्ण है और बाकी सब के सब कौन है, उनके पास है ना। ये बार बार स्थान स्थान पे आता है, कृष्ण दास के विश्वास कर ले आप सुख दुख नाई, है ना। अपने आप को अगर हम कृष्ण का दास मान लेंगे ना तो जिंदगी में किसी को कोई दुख नहीं है नहीं। लेकिन हम लोग मानना नहीं चाहते, हम लोग हर समय अपने इंद्रियों को तृप्त करने के लिए अपने आप को संसार में लगा करके रखते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जी बताते हैं तत् प्रयासो ना कर्तव्य आयु है परम, कि कहते हैं कि जो व्यक्ति संसार में अपने आप को लगा करके रखता है उससे क्या होता है, समय तथा शक्ति की हानि होती है। तत्प्रयासो ये किसके लिए बोला, इससे पहले वाले श्लोक के लिए, सुखम नाम कि क्या करो, जिस प्रकार से दुख अपने आप आता है उस प्रकार से सुख भी अपने आप आएगा। क्या ऐसा कोई आप में से व्यक्ति है जो दुख को प्राप्त करने के लिए सुबह घर से निकलता हो और कहता हो मैं आज दुख इकट्ठा करके लाऊंगा या किसी दुख की दुकान में जाकर के मैं दुख खरीदूंगा, नहीं ऐसा कोई भी नहीं है, ऐसा कोई आप में से नहीं होगा, ठीक है। लेकिन हम सब लोग सुबह निकलते हैं इसलिए कि हम सुखी हो जाए, धन कमा के कुछ सोचता मैं सुखी हो जाऊंगा, कोई सोचता मैं शादी करके, कोई सोचता मैं पैसा कुछ करके पर डॉक्टर बन के, कोई इंजीनियर बन के, कोई डायवोर्स लेके, कोई बच्चा पैदा करके, लेकिन आज तक सुखी नहीं हुआ, कोई सुखी नहीं हुआ, है ना। सुखी कौन होता है, कहते हैं वैष्णव संकेत मन आनंदी जन क्षण सदा हरे कृष्ण पर संग। सुखी कहां पे होता है, सुखी होते हैं वैष्णव के संग में, वैष्णव संकेत मन। वैष्णव कौन होते हैं, जो विष्णु मंत्र में दीक्षित है, शरणागत है, गुरु वैष्णव की सेवा में सब समय अपना जीवन दे रही है। ऐसे भक्तों के संग में रहने से क्या होता है, हृदय आनंदित होता है। वो कैसे, जब ये क्या करते हैं, इनके पास एक ही काम है, क्या काम है, कृष्ण की कथा को सुना सुना करके हमारे हृदय को द्रवित करके भगवान की सेवा में लगा देते हैं। हमें एकमात्र अपने अपने सेवा वृत्ति को जागृत करना है, है ना। जितनी जो व्यक्ति सेवा वृत्ति को जागृत करेगा उसका उतनी जल्दी मंगल होगा। और जो सोचेगा मुझे सेवा नहीं करनी, चंदन की ठाकुर जी की सेवा में कब लगता है, जब वो पूरी तरह खींच चुका होता है। अगर हम सोचेंगे कि हाँ अपने आप को खींचेंगे नहीं और ठाकुर जी हमें स्वीकार करेंगे, ठाकुर जी तो बहुत दूर की बात, पहले हमें वैष्णव की सेवा करनी है, पहले हमें गुरुदास वैष्णव दास बनना है,
अगर वैष्णव दास भी बने तो हम गुरु दास नहीं बन सकते, और गुरु दास भी बने तो हम कृष्ण दास तो कभी जिंदगी में नहीं बन सकते। इसलिए हमें वैष्णव के चरणों की सेवा करनी है। कैसे सेवा होती है? उनके हृदय के मनोभाव को जान करके सेवा करनी है। ये नहीं कि उन्होंने आज बोला ये काम कर दो, अरे महाराज जी, अरे प्रभु जी, मैं तो कर करूंगा, है ना। इस प्रकार से सेवा होगी नहीं। तन मन धन प्राण वचन अपना सब कुछ नछावर करके अपने सुख की लेश मात्र भी इच्छा ना रखते हुए क्या करना है? इनके चरणों में पड़े रहना है। ये हमें गाली दे, मारे, पीटे, जितना दूर भगाए और ज्यादा उनके पास आना है, क्योंकि इनके अलावा हमारा जगत में कोई नहीं है। यही हमारे वास्तविक माता पिता है। अगर इनकी अगर सेवा कर ली वो तो अपने उनसे संबंध बनाने की अच्छे जरूरत नहीं पड़ेगी। इनकी सेवा करने से सबकी सेवा हो जाएगी, है ना। तो इन्हीं की सेवा करनी है। और भागवत जी की सेवा कैसे है? जो ये वैष्णव लोग भक्त भागवत हम लोगों को जिन्होंने हमें जो जो श्रवण करवाया, जो जो भी श्रवण कराया उसका पालन करके, जैसे कि हमारे प्रभु जी ने बताया कि उसका पालन करके शिक्षाओं का, जो जो भागवत जी में भक्तों के माध्यम से ध्रुव महाराज जी का, प्रहलाद महाराज जी का, सब लोग क्या कह रहे हैं? एक ही चीज कह रहे हैं, क्या? भक्तों का संग करो, स्निग्ध सजाती है ना, ऐसे भक्तों का संग करो जिनका हमारे प्रति प्रेम हो, जो हमारा मंगल चाहते हो हृदय से, है ना। साधु तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लिए कौन सा मंगलकारी है? जिसका हमारे प्रति प्रेम भाव है हमारे हृदय में, जिसके प्रति, लेकिन जिसका हमारे प्रति हमारे हृदय हमारे प्रति प्रेम भाव नहीं है, भले साधु होने पर भी उसका संग हमारे लिए ज्यादा लाभकारी नहीं है, लेकिन वो उसका भी हमारे लिए मंगलकारी हो सकता है अगर उसकी सेवा करेंगे तो, क्योंकि सेवा के माध्यम से हम सबके हृदय को वशीभूत करते हैं, वशीभूत कर सकते हैं, क्योंकि सेवा में ऐसी शक्ति है ना। मैं ज्यादा समय ना लेते हुए अब मैं जो जो जिन भक्तों ने, थोड़े बहुत भक्तों ने बड़े अपने सुबह बेचारे सुबह 6 बजे आकर के 9-10 बजे आकर के सेवा में लग जाते हैं, प्रसाद की सेवा में, मैं तो यहाँ बैठा कथा सुनता रहता हूँ, वो बेचारे सेवा करते हैं। तो 3 लोग तो ऐसे हैं जिनको मैं चाहूंगा, वो और उनकी धर्मपत्नियां बेचारे रात को मंदिर जब कारपेट उठ जाता है झाड़ू मारती हैं, लगी रहती हैं। एक हमारे अनिल प्रभु और उनकी धर्मपत्नी आ जाए कृपा करके, बड़ा अच्छा। हरे कृष्णा, अनिल प्रभु और उनकी धर्मपत्नी, और हमारे शुक्रस्त प्रभु और उनकी धर्मपत्नी, और हमारे त्रिवेक्टर प्रभु और उनकी धर्मपत्नी, ये तीनों तो प्लीज आ जाएगी जल्दी से। महाराज प्रभु का समय नहीं है, 10 बज गए, 10:10 ऐसी भागवत कथा मैंने कहीं नहीं देखी कि 10:10 तक भागवत कथा हो रही हो। प्लीज जल्दी से आ जाइए, तो हरे कृष्णा। हमारे बीच में और हमारे अमन बिहारी में तो कभी 10:10 तो बोल है। आप इधर आ, निकाल तो तैयारी तो खड़ा मत निकाल, हमारे तमाम लोग आ जाए, हमारे ओहरी ओहरी प्रभु आ जा इधर से ले, हमारे विनोद प्रभु, बस 2 मिनट के लिए पहुंच, 2 मिनट जो दो चार भक्त लोग हैं। भीष्म प्रभु आ जाए, हमारे भैया कालू भैया आ जाए, ब्रजराज जी डेवलपमेंट हुआ, खूब सेवा कर रही है सब प्रकार से, हमारे राघव प्रभु आ जाए, राघव प्रभु, राघव एक सेट दे दिया, देन एक सेट दिया, और एक सेट हमारी पूजा दीदी में देखो जो कृष्ण बना है, जो 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 और भी जो जो बने हैं, इन्होंने भी बहुत सेवा करी, आ जाए पूजा दीदी हमारी।
ओरी प्रभु मौलिका दीदी ओरी प्रभु इधर आ प्रभु जी कमाल में हाँ जिन जिन लोगों का नाम जल्दी से आ जाओ भागो यस क्या क्या हो रहा है मौलिका दीदी ओरी प्रभु सुन दो तो आ जाए क्या मार जी चट्टा प्रभु हमारे चट्टा प्रभु उनकी धर्मपत्नी लास्ट मारा जी चट्टा प्रभु उनकी धर्मपत्नी रॉबिन प्रभु हमारे रॉबिन प्रभु हमें रॉबिन प्रभु के होते हुए सिलेंडर की चिंता नहीं रहती है और भी जिन जिन भागवत में जिस किसी भी प्रकार से बेशक सुन करके भी सेवा किया है और जिसने धन से तन से आकर के अगर आप नहीं होते तो महाराज जी किसको कथा श्रवण करवाते आप लोग अपने लिए ताली बजा लीजिए जोर से और आप सभी के चरणों में हमारा चरण प्रणाम है हृदय से हरे कृष्णा हरे कृष्णा अरे सुरेंद्र प्रभु जी सुरेंद्र प्रभु जी हरे कृष्णा सुरेंद्र प्रभु जी आज आज इधर आओ इधर आओ माता जी अरे अरे इधर आओ ओ हरे प्रभु आज ओ सचिन अरे आज अरे बीबी शर्मा प्रभु जी आज ये हाँ और किसका नाम लिए सब हो गया आ जाओ प्रभु आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ भागवत कथा की महिमा विभिन्न दृष्टिकोण से अलग अलग रूप में सुने हैं लेकिन अभी प्रश्न यहाँ से क्या लेकर के जाओगे यहाँ से लेकर क्या जाओगे यहाँ से भगवान का प्रेम महाप्रभु का प्रेम ही लेकर के जाओ लेकिन एक प्रश्न है वो प्रेम कैसे आएगी वो प्रेम आएगी जब हम भगवान के नाम को जप करें क्योंकि भागवत का जो सार है जब सुखदेव गोस्वामी भागवत को प्रारंभ करते हैं वो भगवान का नाम से प्रारंभ करते हैं और जब भागवत को विश्राम देते हैं वो भगवान का नाम से ही विश्राम दिया है मेरे पीछे पीछे आप लोग बोलो ये अंतिम श्लोक है इसको बोलने से पूरी भागवत का फला को मिल जाएगा मेरे पीछे पीछे बोलो बोले नाम संकीर्तनम जस्य नाम संकीर्तनम जस्य सर्व पाप प्रणाशनम् प्रणाम दुख समनम् प्रणाम दुख समनम् प्रणाम दुख समनम् प्रणाम
तमो दुख सब तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम तम नमामि हरि परम। कहते भगवान के नाम संकीर्तन से ही जीव का समस्त दुख विश्राम होता है और नाम संकीर्तन के द्वारा जीव को परम शांति प्राप्त होती है। भागवत का सार है भगवान के नाम, जैसे कथा विश्राम हो गया, लेकिन यहाँ से क्या लेकर के जाओगे? भगवान का नाम को लेकर के जाओगे। जो यहाँ से ठाकुर का नाम को लेकर गए हैं, फिर घर में जाकर के तो यही हरिनाम करोगे और क्या करोगे? हरि का नाम तो करोगे। इसलिए ये भागवत की फल पूर्ण रूप में किसको मिलेगा? जो जीवन में भगवान के नाम कीर्तन करेगा। एक समय श्री चैतन्य महाप्रभु को किसने पूछा, प्रभु जी आप कभी रोते हो, कभी नाचते हो, कभी गाते हो, क्यों करते हो? देखो चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, बोले गुरु मरे मूर्ख देखी करीला सासर, तुम्ही मूर्ख तुम्हारे वेदांते नाही अधिकार, कृष्ण नाम जप ही सर्व वेद सार। बोले गुरु जी ने कहा तुम्हारी वेदांत में अधिकार नहीं, इसलिए तुम केवल ये हरिनाम संकीर्तन को करो। अभी गुरु जी की आज्ञा को पालन करते हुए मैंने जब हरिनाम कीर्तन करते 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 एक दिन देखा मेरी बुद्धि एकदम जैसे भ्रमित हो गई। और एक दिन मैंने क्या देखा, वृंदावन में जैसे बड़े सुंदर कदम का वृक्ष है, कलकल नाद से वहां पर जमुना प्रवाहित हो रही है और कदम वृक्षों के नीचे एक बड़ा सुंदर श्याम सलोना सा कौन है, श्री कृष्ण खड़े होकर के मीठी मीठी बंसुरी बजा रहे हैं और मेरे को बुला रहे हैं। वो रूप देख करके मैंने भागा, जब उनको पकड़ ही लिया देखा वहां पर नहीं दूसरे जगह पर खड़े होकर मेरे मेरे को बुलाते हैं। इसलिए जब जब मैं ये हरिनाम करता हूँ वृंदावन में जमुना किनारा में कदम वृक्षों के नीचे कृष्ण को बंसुरी बजाते हुए देखता हूँ, बोले भैया यही हरिनाम की यही हरिनाम का फल है, यही हरिनाम का फल है। इसलिए अगर हमारे जीवन में सार हो तो भगवान की नाम ही जीवन का सार। इसलिए विशेष करके कलयुग में श्रीमान चैतन्य महाप्रभु बोले, एक बार हाथ उठा करके बोलो, बोले हरे कृष्णा कृष्णा I'm not afraid of the dark.
राधे का पाए सही सबे कन्हैया को रंगीनी नदी में गोपियों ने राधा जी का इशारा पाकर के और नरसिंहानी कन्हैया को बुला दिया है। इस चार लाइन में यही भाव है, राधे का पाए सही सबे झाकों के माने मोहन के बेनाई
और फिर क्या किया भैया का नंद को मत मार न जायो I'm not afraid of the dark.
कलश है वो कलश भी ले जाओ। जिनका कलश है आप लोग कलश ले जाइए।